चलो ऑप्शन चेन सीखना है ना आज अपने। ऑप्शन चेन शेयर कर देता हूँ। ऑप्शन चेन ओके। हमने इसके पहले पूरा ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग और सॉफ्टवेयर का यूज़ पूरा देख लिया है, तो अभी पहले हम ऑप्शन चेन के बारे में पढ़ लेते हैं और बाद में अपन सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। ओके, और सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग किसी को अगर डाउट होगा तो मुझे पूछिए क्या डाउट है और आपको क्या नहीं। तो ओके, तो ऑप्शन चेन, तो बेसिकली क्या ऑप्शन चेन यानी क्या है, तो उसको हम सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे और उसका यूज जो है हमारे ट्रेडिंग के इसमें कैसे होता है, यानी हमें अगर ट्रेडिंग करना है तो हमारा यूज़ हम कैसे करना है वो भी थोड़ा डिटेल में जाएंगे। ओके, तो ऑप्शन चेन यानी क्या होता है, तो ध्यान में रखिए मार्केट में दो ही चीज़ें चलती है, एक टेक्निकल चलता है और एक डेटा पॉइंट्स। टेक्निकल यानी क्या होता है, प्राइस एक्शन, कैंडल स्टिक हो गया, चार्ट पैटर्न हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ये पूरा टेक्निकल हो गया। ओके, और इसके साथ हो गया इंडिकेटर। बट टेक्निकल्स के साथ डेटा पॉइंट्स ने क्या कि ऑपरेटर्स और बिग फिश जो रहते हैं उनकी पोजीशन क्या है मार्केट में, इसको बोलते हैं कि डेटा पॉइंट। ये पाया डीआई का डेटा क्या है, उन्होंने कहाँ पे बाइंग और सेलिंग किया हुआ है। टेक्निकल और डेटा पॉइंट जब मिलते हैं ना तब हमें अच्छा ट्रेड मिलता है, यानी मल्टी कन्फर्मेशन जिसको बोलते हैं, कि हमारा टेक्निकल भी बोल रहा है कि मार्केट बुलिश है और हमारा ऑपरेटर और बिग फिश का भी जो व्यू है वो बुलिश की तरफ है, तो हम मानते हैं कि वो ट्रेड अच्छा चलता है क्योंकि वहाँ पे ऑपरेटर्स के साथ हम खड़े हुए हैं या बिग फिश के साथ हम खड़े हुए हैं या उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। क्योंकि अब जो मार्केट चलाता है ना, मार्केट बड़े लोग ही चलाते हैं जिनके पास बड़ा पैसा है, बिग फिश बोलते हैं जिनको और अपन ऑपरेटर बोलते हैं। ओके, तो बेसिकली क्या है ऑप्शन चेन क्या है, तो ऑप्शन चेन दिखाता है ऑपरेटर और बिग फिश का पोजिशन क्या है, क्या कहाँ पे किस लेवल पे पोजिशन है उनका और उनका व्यू क्या है। अब ट्रेंड का व्यू है यानी बुलिश व्यू है या डाउन ट्रेंड का व्यू है, बेरिश व्यू है। मार्केट मार्केट मीन्स पर्टिकुलर स्टॉक लीजिए या निफ्टी बैंक निफ्टी लीजिए, उस स्टॉक या इंडिविजुअल स्टॉक में या इंडेक्स में उनका पोजीशन ही डिसाइड करता है कि मार्केट अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। क्लियर? और एक इनसे रिलेटेड एक टर्म है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट अगर टेक्निकली जाए तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बट हमें टेक्निकलिटी में ज़्यादा पढ़ना नहीं है, हमें सिंपल वे में रखना है कि ओपन इंटरेस्ट यानी होता क्या है कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट उस ट्रेड में, लोगों का इन्वॉल्वमेंट क्या है उस ट्रेड में, लोगों का पार्टिसिपेशन क्या है, उसको हम बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। अब हम पूरा जो ऑप्शन चेन है ना हम लाइव भी देखेंगे, बट जो थियोरेटिकल कंसेप्ट है वो पहले हम सब क्लियर करेंगे। अगर थेराटिकल कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे तो हम चार्ट के ऊपर अच्छी तरह से समझ सकते हैं इसको। ओके, और यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, वन बाय वन जाएंगे ऊपर। ऑप्शन चेन क्या है, टेक्निकल डेटा क्या है, डेटा पॉइंट्स क्या है, ऑपरेटर बिग पिस क्या है, राइट? नहीं है ना? ओके, तो अभी ऑप्शन चेन का यूज कैसे होता है या हमें यूज कैसे करना चाहिए जैसा हम ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि हमें तो सिंपल लैंग्वेज में हमें पता है कि हमें पैसा कमाना है, हमें कोई पीएचडी वीएचडी करना नहीं है, डिग्री विग्री लेना नहीं है। तो ऑप्शन चेन में हमें क्या देखना है जो हमारे ट्रेड में बेनिफिशियल हो, जो हमें ट्रेड लेते समय जो चीज़ें देखना चाहिए, तो
एक है मार्केट का डायरेक्शन, मार्केट का डायरेक्शन हमें पता करने के लिए ऑप्शन चेन यूजफुल होता है। मार्केट का डायरेक्शन यानी बुलिश है या बेरिश है, वो स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक बुलिश है या बेरिश है। और दूसरा है हमारा कि उस स्टॉक में या मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे है। अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें चार्ट के ऊपर से भी मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल। यानी टेक्निकली अगर एक स्टॉक बार बार उसी लेवल पे आके बाउंस बैक हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम सपोर्ट, और वहाँ से अगर रिवर्स मार रहे हैं तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। वो होगा हमारा टेक्निकल चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर जाने के बाद हम देखते हैं कि अगर सेम स्टॉक हमारा ऑप्शन चेन में भी दिखा रहा है कि भाई वहाँ पर भी ऑपरेटर से बिग पोजीशन का लेवल खड़ा हुआ है, तो वो हो जाता है स्ट्रांग रेजिस्टेंस। यानी वहाँ पे मल्टी कंफर्मेशन हो गया, दोनों कंफर्म आ गया ना, टेक्निकल का भी पॉइंट आ गया और डेटा पॉइंट का भी पॉइंट आ गया। ओके अभी हम समझ लेते हैं थोड़ा सिंपल सिंपल वे में समझते हैं कि एक्चुअली ऑप्शन चेन होता क्या है, यानी कैसे, यानी उसको प्रेडिक्ट कैसे करते हैं। तो एक पुट कॉल जैसे, अभी इसको थोड़ा हम समझते हैं थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में। तो ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, क्लियर है। ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये टेक्निकल की बात कर रहा हूँ। ये टेक्निकल का हमारे चार्ट के ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस आ गए। ओके अभी एक टर्म रहती है पुट कॉल रेशियो, यानी पीसीआर जिसको हम बोलते हैं। तो पुट कॉल रेशियो पीसीआर यानी क्या होता है, तो हमारे जो दो टीम है मार्केट में, एक जो ऑप्शन चेन जो हमेशा पढ़ना है ना, तो वो नजरिए से पढ़ना है ऑप्शन सेलर के हिसाब से। अभी हमने पिछले संडे में देखा था कि ऑप्शन सेलिंग करते जो लोग हैं वो ऑप्शन बायर नहीं करते, जो बड़े लोग रहते हैं वो करते हैं, और ऑप्शन सेलिंग के लिए आपका ज़्यादा पैसा लगता है, बराबर है। ओके तो ऑप्शन सेलिंग कौन करते हैं, बड़े लोग करते हैं, ऑपरेटर्स करते हैं, बिग फिश करते हैं। अगर ऑपरेटर्स बिग फिश के पास हजारों करोड़ या 1500 करोड़ रुपए लगा के अगर वो ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो उनका एक व्यू होगा, उनके व्यू के खिलाफ हमें जाना नहीं है। रिटेलर लोग हैं, हमारे पास उतना पैसा नहीं, उतनी ताकत नहीं है, और मार्केट जो बढ़ता है वो ऑपरेटर ही बढ़ाते हैं, बिग फिश ही बढ़ाते हैं, इतना ध्यान में रखिए। अपन एक कैंडल भी नहीं बना सकते रिटेलर लोग। तो जो ऑप्शन चेन को जो पढ़ना है ना, वो हमेशा पढ़ना है ऑप्शन सेलर के हिसाब से। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या, मेरे को बताओ, क्योंकि वर्ल्ड बाय वर्ल्ड अपन जाएंगे, कंसेप्ट हमें बिल्ड करना है। कंसेप्ट बिल्ड होने के बाद आप किसी भी ऑप्शन चेन को खोल के इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, अपने को ऑप्शन चेन जो पढ़ना है ऑप्शन सेलर के हिसाब से पढ़ना है। हेलो नहीं सर, अभी तो मैं रूम नहीं ओके लगा। ओके तो ऑप्शन सेलर में, ऑप्शन सेलर दो प्रकार, जैसे ऑप्शन बाइंग अपन करते हैं तो कैसे करते हैं ऑप्शन बाइंग। एक अगर मार्केट अगर बुलिश रहा तो ऑप्शन बाइंग वाले क्या करते हैं, सी लेते हैं, बराबर। और मार्केट अगर नीचे जाने रहा तो ऑप्शन बायर क्या लेते हैं, पी लेते हैं। सिंपल है, यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके तो राइट। ऑप्शन सेलर क्या करते हैं, उसका उल्टा, जस्ट अपोजिट टू ऑप्शन बायर। यानी ऑप्शन सेलर अगर उनका व्यू अगर मार्केट ऊपर जाने का है तो ऑप्शन सेलर पी को बाय से ये करेंगे, शॉर्ट करेंगे, अगर उनका व्यू ऊपर जाना है। अगर उनका व्यू, ऑप्शन सेलर का व्यू अगर नीचे आना है, यानी बेरिश व्यू है, तो वो सी को शॉर्ट करेंगे, सी को सेल करेंगे, शॉर्ट यानी सेल होता है। ओके तो हमेशा हमें ऑप्शन चेन को ऑप्शन सेलर के नजरे से पढ़ना है, पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। तो अभी यहाँ पे जो भी पुट राइटर्स जो रहते हैं, पुट राइटर्स यानी जिन्होंने पुट को सेल किया हुआ है, किसने किसको सेल किया हुआ, पी को सेल किया हुआ, पुट को सेल किया है, इनको हम बोलते हैं पुट राइटर्स। अभी पुट राइटर्स को नुकसान कब होगा ये मुझे बताइए पहले, कोई भी एक एक एक, क्योंकि अभी इंटरेक्टिव रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हेलो, पुट राइटर को लॉस कब होगा? अरे जब पुट के कॉल्स ज्यादा रहते हैं नहीं, पुट राइटर को लॉस कब होगा, उनका व्यू क्या तो नीचे आने का है? है, नीचे आने जब का है कॉल ना, ऊपर जाता तो है। मार्केट अगर ऊपर गया तो तभी लॉस होगा उनको, पुट राइटर्स को। हाँ हाँ अब ये सर हाँ ओके, बाकी जानो, बाकी सबको क्लियर है? ओके सर ओके। ओके ना, तो और कॉल राइटर को कब लॉस होगा, जब मार्केट मार्केट नीचे नीचे है आएगा, यानी नीचे उनके अपनी जाएगा। डायरेक्शन में आएगा, तो तभी लॉस होगा अपना कॉल राइटर को। तो पुट राइटर्स और कॉल राइटर जो है वो बड़े बड़े ऑपरेटर है, बड़े फिश है, तो उनको वो लॉस लेने के लिए रेडी नहीं रहते मार्केट में, इतना ध्यान में रखिए, वो मार्केट को घुमा देंगे। तो मार्केट को घुमाने की ताकत उनमें ही है और वही मार्केट को घुमाते हैं। बट अगर पुट राइटर्स योर ए लेवल पे, पुट राइटर्स हमेशा चाहेंगे कि मार्केट नीचे आए, एरो दिख रहे नहीं, मार्केट ट्राई करेंगे, इस लेवल पे मार्केट आ गया तो मार्केट, एक गेम रहता है रस्सी खेच वाला जिसको अपन थग ऑफ वार बोलते हैं, बराबर, जिधर साइड लोग ज्यादा उधर साइड का पोजीशन स्ट्रांग, उधर साइड के लोग जीतेंगे, क्लियर है? ये सिंपल है भाई, हमारा थग ऑफ वार है, ऑप्शन चेन है नहीं। ऑप्शन चेन में जिधर लोग ज्यादा, यानी पुट राइटर की तरफ लोग ज्यादा, तो मार्केट कैसा होगा अभी बताइए मुझे, पुट राइटर्स की तरफ लोग ज्यादा तो कॉल साइड में जाएगा नहीं ना, पुट राइटर्स अगर पुट ज्यादा राइटर्स है तो नीचे पुट नीचे आएगा नीचे मार्केट जाएगा, वो ओआई के चक्कर में जो होता है ना ऑप्शन में उसी में अपोजिट शायद अपोजिट होता अपोजिट, कॉल राइटर्स अगर ज्यादा होंगे तो है मार्केट क्या होगा, ऊपर जाएंगे। लेकिन सर कल जब हमने वो देखा था जो लास्ट वाला फ्राइडे वाला उसमें को सॉरी डायरेक्टर सॉरी बोल सॉरी जाता सॉरी थे सॉरी पुट सॉरी राइटर्स सॉरी को। सॉरी सॉरी, यहाँ पे थोड़ा 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 मिस्टेक होगा, एक मिनट, अरे अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा है ना ये होगा कंजप में, थोड़ा ऊपर नीचे सॉरी सॉरी, ये मेरे ध्यान में नहीं आया, ए साइड में बराबर है, वो साइड में थोड़ा गलत हो गया था। हाँ वो आपने सॉरी बोला था सॉरी जो सॉरी आपने सॉरी, बताया था लाइफ में कोई याद है वो हाँ अनवाइंडिंग होता है जिस साइड में हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा थोड़ा ये हो गया, और कैसे क्या हो हाँ सॉरी, मैंने क्या बोला था कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है, अगर मार्केट का व्यू अगर ऊपर, अगर बुलिश व्यू है तो सी सी हम बाय करते, बराबर बायर, ओके, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या करेंगे, पी शॉर्ट करेंगे, अपना ऑप्शन सेलर, और जब मार्केट नीचे आता रहता है तब बायर पी बाय करते हैं, सिंपल पुट बाय करते हैं, तो उसका अपोजिट करते हैं सी, हमें सेल करना है, ऑप्शन सेलर। यहां तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं था ना? नहीं। ओके, तो जस्ट अभी यहां पे आते हैं कि जो पुट राइटर्स जो रहते हैं ना, पुट राइटर्स हमेशा रेजिस्टेंस को ही डिफाइन करते हैं मार्केट में, और कॉल राइटर्स हमेशा क्या करते हैं, सॉरी यहां पर भी पुट राइटर्स हमेशा सपोर्ट को डिफाइन करते हैं मार्केट में, और कॉल राइटर्स जो है हमेशा रेजिस्टेंस को ही डिफाइन करते मार्केट में। तो कॉल राइटर्स को लॉस जब कब होगा, क्योंकि उनका व्यू क्या है, मार्केट नीचे आना चाहिए, जब मार्केट उनके अपोजिट में जाएगा, ऊपर जाएगा, तभी कॉल राइटर्स को नुकसान होगा, बराबर है? ओके, तो कॉल राइटर्स हमेशा चाहते हैं कि मार्केट नीचे आना चाहिए, और पुट राइटर्स क्या चाहते हैं, मार्केट ऊपर जाना चाहिए, उस लेवल के ऊपर चाहिए मार्केट, तभी पुट राइटर्स को लॉस नहीं होगा, समझ गए? जस्ट अपोजिट, ऑप्शन बायर से जस्ट अपोजिट। तो यहां पे थंग ऑफ वार का जो गेम रहता है कि जिस तरफ लोग ज्यादा, उस तरफ का पोजीशन विनिंग साइड में ज्यादा रहता है, बराबर है? तो
अगर कॉल राइट पुट राइटर्स, अगर पहले देखते हैं पुट राइटर्स अगर मार्केट में ज्यादा है, हेलो पुट राइटर ज्यादा है पुट राइटर्स अगर मार्केट तो में ज्यादा है बुलिश मोमेंट होगा, तो मार्केट बुलिश मोमेंट होगा। बुलिश ओके बुलिश होगा। अगर कॉल राइटर्स अगर मार्केट में ज्यादा है तो मार्केट कहाँ जाएगा, नीचे आएगा, बेरिश हो जाएगा। बेरिश हो गया, ये यहाँ तक क्लियर है पूरा? ओके सर। ओके तो मतलब कॉल राइटर है वो रेजिस्टेंस तैयार करेगा ऊपर जाने का। हाँ तो कॉल राइटर्स हमेशा रेजिस्टेंस को ट्राई करेगा कि मार्केट उसके नीचे चाहिए, और पुट राइटर हमेशा क्या करेंगे सपोर्ट के ऊपर चाहिए, यानी पुट रोड में हुआ था ऊपर जाए बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस। हाँ तो वो जो लेवल है ना पुट राइटर्स और अपना टेक्निकल लेवल अगर मैच हो गया, साइकोलॉजिकल नंबर समझिए या टेक्निकल का सपोर्ट रेजिस्टेंस समझिए, तो वहां पे अपन बोलते हैं कि भाई उसको तोड़ना उतना इजी नहीं रहता है, वहां पे एक अंदर रिवर्स आएगा, रिजेक्शन आएगा। क्लियर है, यहां तक क्लियर है क्या? ओके ओके तो सब ये समझ में आया। हाँ अभी वो सब पहले लगता था कि जिस साइड में जाता है उसी साइड में जाएगा, नहीं 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 अभी और जाएंगे ना अपन, तो ये थोड़ा थ्योरी पढ़ रहे हैं अभी, और अपन चैट ऑप्शन चेन के ऊपर देखेंगे कि ऑप्शन चेन, अभी तो ये थोड़ा आपका कंसेप्ट अगर क्लियर होगा ना कि भाई पुट राइटर्स क्या करते हैं, कॉल राइटर्स क्या करते हैं, मार्केट में इनके हाथ में नहीं रहता है, अगर मार्केट में ऊपर जाना है ब्रेकअप फॉल्स ब्रेकआउट क्यों होते हैं, रिवर्सल कब मारते हैं, तो इनके हाथ में नहीं, बस इनका काम क्या है कि इस रेजिस्टेंस को जो है ना कॉल राइटर्स क्या बोलते हैं कि भाई ये 18,000 का एक लेवल है उनके लिए, बराबर, सपोज निफ्टी का, तो 18,000 पे अगर कॉल राइटर्स ज्यादा बैठे हुए तो बोलेंगे कि 18,000 को तोड़े ना, अगर तोड़ा तो कॉल राइटर्स को नुकसान होता है, लॉस होता है, बराबर। और वैसे ही 17,500 नीचे अगर है तो ये क्या बोलते कि इसी रेंज में फंस रहे, तो बोलते हैं कि मार्केट साइडवेज है, ऑप्शन सेलर का प्राइस है, क्योंकि ऑप्शन सेलर का ऊपर का और नीचे का एक रेंज को बेच के बैठ जाते हैं तो प्रीमियम डिके करने के लिए। क्लियर है सर? ये जो एक चीज पूछना था, जो कॉल सेलर्स होते हैं उनका प्रीमियम डिके नहीं होता क्या सेलर का? नहीं ना प्रीमियम डिके उनका सेलर बायर का डिके होता है, सेलर सेलर वालों का प्रीमियम डिके ही फायदा है, प्रॉफिट है, प्रीमियम डिके ही उनका प्रॉफिट है, उनके दो फेवर में, एक प्रीमियम डिके और डायरेक्शन, ऑप्शन बायर सिर्फ ओनली डायरेक्शन को ट्रेड करता है। ऑप्शन जो बायर होते हैं वो रिटेलर होते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं ज्यादा करके बोलते हैं। हाँ जिनके पास कम पैसा है वो करते हैं। ओके अभी पुट राइटर्स अगर मैंने ले लिया कि सपोज 10,000 पुट राइटर्स है, ओके, और हमारा 10,000 कॉल राइटर है, तो क्या होगा मार्केट कैसा होगा? साइडवेज होगा, यानी पीसीआर, यानी दोनों तरफ वॉर कैसी है, सेम चल रहे ना, क्लियर, तो 1:1 हो गया, 1:1, यानी इसका अगर डिवाइड करेंगे तो अपना 1 आएगा, बराबर है। वही अगर ताकत, हमें सिर्फ ताकत, हमें कंसेप्ट को बिल्ड करना है, इतना ध्यान में रखिए। ओके अगर यही अगर हमारा पुट राइटर्स 1,000 है, 1,000 लोग खड़े हुए पुट राइटर्स यहाँ पे, ओके, और कॉल राइटर्स ओनली 500 है, कौन जीतेगा? पुट राइटर जीतेंगे ना, तो ये मार्केट जाएगा बुलिश, समझ गए? इसका रेशियो आएगा 0.2, अगर डिवाइड बाई करते तो पीसीआर 0.2 आएगा ना सर, 1,000 डिवाइड बाय 500 2 आएगा ना। सॉरी यार मेरा आज क्यों कंफ्यूजन, मेरा आज कंफ्यूजन क्यों हो रहा, 2 आया तो 1:2, हाँ 2 आया तो ग्रेटर देन 1 है ना, बराबर है। तो पुट राइटर्स अगर ज्यादा है कॉल राइटर, नहीं यहाँ पे बाय मिस्टेक हो गया है, गलत हो गया है, यहाँ पर कंसेप्ट रहे ये थोड़ा मेरा टीम ने बनाया तो गलत बनाया, कल मेरे को टाइम नहीं था तो। ओके तो अपन कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दे रहे, कहाँ कुछ भी लिखे रहने दो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके तो ये देखिए पुट राइटर्स हमें, पुट राइटर्स अगर ज्यादा है कॉल राइटर्स अगर कम है, तो कितना गया, ग्रेटर देन 1 आ गया, यानी 2 आ गया,
टू आ गया तो अपना मार्केट कैसा है, बुलिश है ना, बुलिश होएगा बराबर है। तो पीसीआर अगर ग्रेटर देन वन है तो मार्केट होगा अप ट्रेंड में, बुलिश होगा, क्लियर? ओके। जब कॉल राइटर्स, सपोज कॉल राइटर्स अभी ज्यादा है, कॉल राइटर्स हो गए हमारे 2000, यहाँ पे लिखते हो कॉल राइटर्स हो गए हमारे 2000 और हमारा पुट राइटर है 1000, तो ये 0.5 हो गया। ओके, यानी 0.5 हो गया, तो यहाँ एक 0.5 क्यों भी छोड़ दीजिए, यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे क्लियर कट, पुट राइटर ज्यादा है कि कॉल राइटर ज्यादा है, कॉल राइटर ज्यादा है ना, तो कॉल राइटर ज्यादा है तो मार्केट को नीचे दबेंगे ना कॉल राइटर, क्लियर है? तो बेरिश हो गया, यानी लेस देन। तो हम जनरली क्या बोलते हैं कि पीसीआर जो रहता ना, पीसीआर अगर लेस देन वन है तो मार्केट नीचे जाएगा, ग्रेटर देन वन है तो मार्केट ऊपर जाएगा। यहां तक क्लियर है क्या? यस, सबको क्लियर है? समझने के लिए भी ऐसे हुए कि वन वन से ऊपर है तो बुलिश, हाँ, और वन से नीचे है तो दोनों का इक्वल आ गया है तो फिर रेंज साइडवेज रेंज और 1.01 1.02 लेकिन साइड में जैसे है जैसे आदि सर ने भेजा था ना वो एक वाई पुट और कॉल का फ्राइडे के दिन उन्होंने पूछा था, इसका मतलब आपने आपने पूछा था क्या सर आपसे? हाँ मुझे पूछा था, मैं वही बोल रहा हूँ कि अपना आपने बताया था कि जो अभी आप ही खुद मेरे को आंसर देंगे, अपने को रट्टा नहीं मारने, अनवाइंडिंग क्या होता है, शॉर्ट कवरिंग क्या होता है, कुछ भी रट्टा नहीं मारने, अपने को चार्ट को देखना है, अपने को ऑप्शन चेन को देखना है अगर देखना होगा तो देख, और अपने को उससे समझना है कि भाई जनरल थिंग है ना, अपन सिंपल वर्ल्ड में अपन ये कर रहे हैं कि भाई पुट राइटर ज्यादा होंगे तो ऑब्वियस है मार्केट को ऊपर ही जाना है, कॉल राइटर ज्यादा होंगे तो मार्केट को नीचे आना है। यहाँ तक क्लियर होगा क्या? ओके, मार्केट में दोनों का ही, और ये लाइव डेटा चलते रहता है, बराबर है? तो आपको नंबर कभी कॉल राइटर ज्यादा होते हुए दिखेंगे, कभी पुट राइटर ज्यादा होते हुए दिखेंगे, बराबर है? Okay. एक कांस्टेंट नहीं रहते नंबर, अभी देखेंगे अभी कंटिन्यू चेंज होते रहता है, कंटिन्यू मार्केट में जैसे कैंडल बदलती है ना वैसा ये डेटा कंटिन्यू चेंज होते रहता है। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं कि अगर हमें वो जब डेटा देखना है तो कैसे डेटा देखना है हम उसके ऊपर भी जाएंगे। ओके, लेकिन अभी आपको सिर्फ कंसेप्ट बिल्डअप कर लो कि ऑप्शन चेन को देखना है तो किस नजर से देखना है। यहां तक क्लियर है? यहां से डायरेक्शन पता चल गया आपने को? ओके, अभी दूसरा है कि दूसरा एक कंसेप्ट है कि भी किसको हम स्ट्रांग सपोर्ट या स्ट्रांग रेजिस्टेंस किसको बोलेंगे, या वीक सपोर्ट वीक रेजिस्टेंस किसको बोलेंगे ऑप्शन चेन के हिसाब से। तो जैसा हमने यहां पे देखा कि हमारा जो है कि यहाँ पे कॉल राइटर्स खड़े हुए रेजिस्टेंस के पास और पुट राइटर्स है सपोर्ट के पास, ये अभी कंसेप्ट क्लियर होगा, अभी इसमें आपको किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। बट मार्केट सपोज यहाँ से मार्केट उठता है और ऊपर जाता है, यहाँ पे जाता है, तो यहाँ पे जाने के बाद पहला रिएक्शन क्या होगा? अगर कॉल राइटर्स अगर ज्यादा है, कॉल राइटर्स अगर मैं मानता हूँ यहाँ पे 1000 है और पुट राइटर्स 500 है, हाँ, तो 1000 है तो ये तो हाई भी होंगे ना, मार्केट को नीचे लाएंगे ना, बराबर है? और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर और पुट राइटर्स अभी सपोर्ट के आने के बाद पुट राइटर्स ने अगर अपना पूरा जोर लगाया तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। यहाँ पे पुट राइटर 500 से और 700-800 हो गए, यानी पुट राइटर्स में कम हुए पुट राइटर्स या बड़े तो जोर लगेगा, यानी मार्केट ऊपर जाएगा। और मार्केट ऊपर गया यहाँ से, ऐसे ही मार्केट चलता है ना, दो लेवल के बीच में ऐसे ही चलता है मार्केट। अगर मार्केट यहाँ पे चला तो यहाँ पे 1000 थे, 1000 होके जब यहाँ पे जब एक अब मैं मानता हूँ 10 बजे का सिनेरियो था, ये 11 बजे का सिनेरियो था, ये 11:30 बजे का सिनेरियो था, तो 11:30 बजे जब मार्केट यहाँ पे आता है तब
अगर कॉल राइटर्स कम हो गए, 500 हो गए, और यहाँ पे पुट राइटर्स 1000 हो गए, तो क्या होगा इस लेवल पे? हाँ, ये रेजिस्टेंस थोड़ा ऊपर जाएगा। रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर जाएगा। इसको ही हम क्या बोलते हैं कि भाई हमारे जो कॉल राइटर्स है वो वीक हो गए, उन्होंने उनका पोजीशन क्या कर दिया, कवर कर दिया, लॉज बुक कर दिया। जब ऐसा होता है, जब हमारा कॉल राइटर्स का अनवाइंडिंग बोलते हैं, पुट राइटर्स का अनवाइंडिंग, इनको टेक्निकली बोलते हैं कि अनवाइंडिंग बोलते हैं, उनका पोजीशन जब वो अनवाइंडिंग करते हैं या कैरी शॉर्ट कवर करते हैं, तब मार्केट में बड़े मूव आते हैं। क्यों बड़े मूव आते हैं? क्योंकि इनका पोजीशन बुक करना, कॉल राइटर्स का पोजीशन बुक करना, यानी यहाँ पे एक्स्ट्रा बाइंग लाना है, बराबर है कि नहीं? लाना लाना है जब, बराबर। हाँ, तो यहाँ पे कॉल राइटर्स ने अगर कम हो गए तब वो ब्रेकआउट होगा। समझ गए ब्रेकआउट क्यों होगा? अगर ब्रेकआउट भी हो गया, हमें टेक्निकली प्राइस दिख रहा है कि एक बड़ा कैंडल दिखा रहा है, दिखा रहा है, बट उस लेवल पे हमारे कॉल राइटर्स जो 1000 थे 10 बजे, वो 1000 के 500 हुए नहीं, उल्टे 1100 हो गए, बढ़ गए, तो ये ब्रेकआउट कैसा होगा? रिवर्स मारेंगे ना, फॉल्स ब्रेकआउट होगा ना, समझा कि नहीं समझा? परेशान ओके, बता। जैसा यहां से प्राइस ऊपर जा रहा है, यहां पे प्राइस गया, यहां पे प्राइस गया, तो यहां पे पहले सवेरे 9 बजे थे कॉल रेटर्स 1000, ओके, एग्जांपल दे रहा हूं। यहां पे जाने के बाद कॉल रेटर्स बढ़ के हो गए 11000, 11000 नहीं 1100, ओके, और हमारे को टेक्निकल चार्ट के ऊपर एक ग्रीन कैंडल दिखाया ऑलरेडी, ब्रेकआउट, ट्रू ब्रेकआउट तो देख लिया ना हमने, ब्रेकआउट कैसा होता है, अगर कॉल राइटर्स ने अगर उनका पोजीशन छोड़ दिया तो ब्रेकआउट होगा, बराबर है? अभी फॉल्स ब्रेकआउट देख रहे हैं कि हमारा टेक्निकली हमारा चार्ट ने बता दिया कि ब्रेकआउट हो गया, बट एट द सेम टाइम हमारा जो कॉल राइटर्स का पोजिशन है वो कम होने के बजाय बढ़ गया, या कम ही नहीं हुआ, उतना ही है, तो ये जो ब्रेकआउट होगा उसको बोलते हैं हम फॉल्स ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट नहीं हुआ, यहाँ से प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा, इसको ही बोलते हैं हम स्टॉप लॉस हंटिंग। समझ गए? इसको ही बोलते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग, क्योंकि जब तक कॉल राइटर्स उनका पोजीशन छोड़ेंगे नहीं मार्केट से, तब तक मार्केट जाएगा नहीं, और एक ही रेंज में फंसता रहेगा, फंसा हुआ रहेगा। वैसा ही पुट राइटर्स सेम सपोर्ट के पास आया, ब्रेक किया, बट ये 1000 का कुछ भी कम नहीं हुआ, सेम रहा, तो मार्केट नीचे आके और ऊपर होगा, बाउंस बैंक लेगा। हमें ब्रेकआउट के लिए पुट राइटर्स या कॉल राइटर्स का पोजीशन अनवाइंड करना जरूरी है। समझ गए क्या? क्रिस्टल क्लियर है? इस और सिंपल लैंग्वेज में बता नहीं सकता इससे, बस नहीं 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 बहुत बिल्कुल समझ सिंपल रहा है बात सर। वो आपका जो आपने वीडियो भेजा था ना है। सर हाँ का भी, दामिन सर का भी, उन्होंने भी यही बता दिया कि फोर्स का है, फिर लेटेस्ट होगा तो ही एंट्री लेना चाहिए, नहीं हाँ तो फर्स्ट कैंडल में कभी नहीं लेना नहीं चाहिए। जी, नहीं जी, अभी यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? ओके, तो हमने देख लिया कि स्ट्रांग सपोर्ट क्या होता है, स्ट्रांग रेजिस्टेंस क्या होता है, कॉल राइटर्स का अनवाइंडिंग, पुट राइटर्स का अनवाइंडिंग। तो हमें अभी ये जो थ्योरी है, अभी ये कंसेप्ट हो गया, अभी हमें एक्चुअल ऑप्शन चेन देखना है। तो ऑप्शन चेन अभी यहाँ पे मैं करता हूँ मेरे प्रेजेंटेशन को क्लोज, डिस्कार्ड, ओके, ये हो गया क्लोज। अभी अपन चलते हैं ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन देखने के दो प्रकार हैं, दो प्रकार कौन से? एक एनएसई का साइड है, जो प्री ऑपर्ट है, अभी ये हो गया निफ्टी का। यहाँ पे निफ्टी हमारा जो अंडर लेंगे वो निफ्टी का स्टॉक है। यहाँ पे आप किसकी भी बैंक निफ्टी, निफ्टी, रिलायंस, कुछ भी डाल के उसका ऑप्शन चेन इंडिविजुअली देख सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे हमें डालना है एक ये सिंबल है, चलो हमें निफ्टी का देख दो, निफ्टी का टुकड़ी। यहाँ पे एक्सपायरी डेट,
एक्सपायरी डेट यानी अभी 12 जून दिखा, 12 जनवरी दिखा रहा है, वीकली एक्सपायर रहता है इंडेक्स को, और यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस, तो हमें स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे पूरा आ गया। तो अभी ऑप्शन चेन दिख रहा है आपको सबको, तो ऑप्शन चेन में क्या होता है, अरे यार मेरा मार्कर, एक मिनट, ओके जम गया। चलो हाँ, अभी देखो यहाँ पे कंसेप्ट क्या क्या देखना है हमें, ऑप्शन चेन में समझना क्या है, तो हमेशा रहता है यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस बीच में, ओके, स्ट्राइक प्राइस के बाद रहता है आस क्वांटिटी छोड़ दो, आस बिड छोड़ दो, ये छोड़ दो, चेन छोड़ दो, ये रहता है एलटीपी। एलटीपी हमारे काम का है, आईवी हमारे काम का है, वॉल्यूम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, और ये ओपन इंटरेस्ट कहाँ गया, ओके, तो एक एक टर्म को हम समझ लेते हैं डिटेल में। मतलब ओपन इंटरेस्ट है। हाँ, ओआई मतलब ओपन इंटरेस्ट, ओके, चेंज इन ओपन, ओआई मतलब आज के दिन में ओपन इंटरेस्ट कितना चेंज हुआ, आज के दिन में, जैसा अगर मैं मंडे की अगर बात करूंगा तो मंडे के दिन यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना हुआ वो बताएंगे। यहाँ पे वॉल्यूम को छोड़ दो, वॉल्यूम ऐसा ही रहता है, वॉल्यूम को सर कुछ चेंज इन मत, ओपन इंटरेस्ट मंडे को मतलब मॉर्निंग में 9:15 से लेके एज ऑन टाइम क्या चेंज हो वो। बस बस हाँ वही 9:15 से लेके, तो एज एंड टाइम कितना हो रहा है वो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट टुडे का, आज का लोगों का व्यू क्या है, टोटल चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या होना, टोटल यानी पूरा समेशन ऑफ 1 वीक। फ्राइडे को चालू हो गया ना मार्केट, वीकली एक्सपायरी हाँ फ्राइडे ओके को यहाँ पे दिखा रहे हैं 1:1 दिखा रहे हैं ना, यानी फ्राइडे के दिन है, बाद में ए यानी आज के दिन कितना ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ ये, तो यहाँ पे क्या दिखाता है ओपन लाख में इंटरेस्ट ये सर कितने, 2 मतलब क्या 2 लाख है, 1000 क्या है। ये लैक में होगा, लैक में होगा, ओके। हाँ मतलब फ्राइडे को 110 था तो अभी 4 है ऐसा मंडे को। भाई नहीं, मंडे को नहीं, मंडे को चालू होने का ना मंडे, ये फ्राइडे के दिन की नहीं बात अभी है, फ्राइडे के ओआई ओआई जो है ना, ओआई जो 110 दिखा रहे हैं वो क्या वो है, 110 सवेरे था, मॉर्निंग में 9:15 को मंडे को आपको समझो दे रहे तो दोपहर था। सब हाँ सवेरे था, ये पूरा दिन खत्म होने के बाद 4 हो गया, ओके। तो नहीं उन्होंने कॉल लिए थे सब निकल के चले गए टाइम हाँ अभी देख, से, तो सही नहीं, है। अभी अभी एक एक चीज को अपन देखते हैं, रुको से पहले ओके ऑप्शन चेन को समझ लो, नहीं ओके। तो हाँ ठीक है इसमें ठीक है देखो, ठीक है इस साइड में रहते हैं कॉल और इस साइड में क्या रहते हैं पुट रहता है, बराबर। हाँ सर इधर कॉलर रहते हैं, इधर कॉल राइटर रहते हैं, इधर पुट राइटर रहते हैं, और ये बीच में दिखाते हमारा एटीएम का प्राइस, जो मार्केट जो चल रहा होगा उसके आसपास, जैसा मार्केट कहाँ चल रहा था 18,000, 17,860, तो देखो ये दोनों के बीच में आ गया ना लाइन, ग्रे, एक ग्रे एरिया है, व्हाइट एरिया। तो यहाँ पे अगर हमने देखा तो क्या हमें देखना है मेनली, तो हमें देखना है कि भाई हमारा ओपन इंटरेस्ट किस स्ट्राइक प्राइस पे, यानी यहाँ से नीचे अगर मार्केट को भी यहाँ पे उल्टा है, मार्केट 17,900, 17,950, 18,000, यानी मार्केट बढ़ेगा नीचे आएगा, तो ऑप्शन चेन के हिसाब से, और ये मार्केट घटेगा इधर, ओके। तो मार्केट अगर बढ़ना है, यानी मार्केट अगर 17,900 पे है, सपोज 17,900 यानी 18,000 उसका क्या होगा, कोई भी बताओ मुझे, मार्केट 17,000 पे है, मार्केट 17,000 पे है, 17,900 पे है, 17,900 पे है मार्केट, और मार्केट ऊपर जा रहा है तो 18,000 उसके लिए क्या होगा भाई लोगों, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस होगा ना, अगर मुझे 18,000 रेजिस्टेंस पे स्ट्रांग है क्या वीक है अगर देखना होगा, तो मुझे 18,000 पे कॉल राइटर्स को देखना पड़ेगा, बराबर है, यस ज्यादा होने चाहिए ज्यादा होना चाहिए, जिस लेवल पे कॉल राइटर ज्यादा होंगे उस लेवल पे क्या होगा वो स्ट्रांग
रेजिस्टेंस एक्ट होगा, क्लियर है? वैसे 18,000 से लग के, तो देखो ना अभी यहाँ पे 18,000 पे देख रहे, 2 लाख, 2 लाख देख रहे, 2,40,000, हाँ, और ये हो गया चेंज इन, हो गया 1,35,000, बराबर कम हो गया। ओके, तो हमारा जो है ना ये चलते रहता है, ये आप एक बार उसको फिक्स करके नहीं रख सकते, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको हमेशा नहीं देखना है, आप चार्ट को देखेंगे क्या, ऑप्शन चेन को देखेंगे, इसको देखना ही नहीं है हमें, इसको सिर्फ आपको समझना है कि भाई आपको ये कब काम में आता है। स्टॉक ऑप्शन जो रहता है ना, स्टॉक ऑप्शन में अच्छी तरह से काम करता है, इंडेक्स में उतना अच्छी तरह से काम नहीं करता, क्योंकि इंडेक्स वोलेटाइल रहता है, इंडेक्स में आपका वीकली एक्सपायर रहता है, तो वहाँ पे पोजीशन चेंज होते रहता है। लेकिन स्टॉक ऑप्शन में आपको क्या है कि ये आपको लिक्विडिटी भी बताता है और पोजीशन भी बताता है, क्लियर हो गया? तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो आपको है ना थोड़ा है ना ये दिख रहा होगा कि नंबर्स और ये, तो इसको इजी वे में देखने के लिए अपन क्या करते हैं, यूज सेंसिबल करते हैं, सेंसिबल प्लेटफॉर्म, ये फ्री ऑफ फ्री रहता है सेंसिबल का, उसका चार्जेस कुछ भी नहीं है, पेड़ वाला दूसरा है इसका, पूरा इसके पेड़ भी है और फ्री वाले भी वर्जन है, तो अपन फ्री वाले में देखेंगे। हमें ट्रेड एनालाइज ये ऑप्शन चेन देखा, ऑप्शन चेन का परमिट ऑप्शन यहाँ पे, अगर मैंने ऑप्शन चेन से क्लिक किया और यहाँ पे डाला, तो देखिए ग्राफिकल दिख रहा, ये 17,000, ये देखिए यहाँ पे कॉल रेटर से तो दिख रहा है रेड में, बाहर दिख रहे ना अभी, आपको दिमाग लगाना नहीं है, आपको क्या देखना है, बाहर बाहर देखना है, समझ आए क्या? ये देखो कहाँ पे बाहर ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे बाहर ज्यादा दिख रहा है, उसके बाद कहाँ पे बाहर दिख रहा ज्यादा, यहाँ पे, यानी कॉल लेटर्स का ओआई इन लैग दिखा रहा है, बराबर? हेलो, बराबर। तो यहाँ पे मेरा मार्केट अगर 17,900 पे, तो यहाँ पे नीचे एक 18,000 का रेजिस्टेंस दिख रहा है, बाद में 18,100 का रेजिस्टेंस दिख रहा है, बाद में 18,200 का रेजिस्टेंस दिख रहा है, और सबसे नीचे दिख रहा है 18,500 का रेजिस्टेंस, क्लियर है? ये अपनी लेवल्स हो गए ना सर, ये लेवल्स हो गए ना, लेवल्स हो गए एज पर ऑप्शन चेन, ये लेवल हो गए, और ये हो गया रेजिस्टेंस। वैसे सपोर्ट के बारे में अगर आ गए, तो देखो यहाँ पे पुट राइटर्स यानी सपोर्ट 17,900, तो पुट राइटिंग का ज़्यादा है सबसे ज़्यादा, ये देखो पुट राइटिंग का है, सपो अपना सपोर्ट वीक दिख रहे हैं इसके मुकाबले 17,800, ये देखो 17,800 पे 41 लाख है, ओके 42 लाख, यानी मार्केट सिनेरियो क्या दिख रहा फ्राइडे का है, अभी फ्राइडे बंद हो गया ना, ये पूरा डेटा कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है, क्लियर है क्या अभी? ओके, तो यहाँ पे क्या होता है अभी, आप अगर आपको अगर और डिटेल में देखना होगा, तो हमें जब मार्केट किसी लेवल पे आता है, तब हमें देखना है जस्ट जाके कि भाई वहां पे मेरा पोजीशन कितना लोग खड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पे अगर 18,000 पे जाए, तो 18,000 पे लोग कैसे कौन ज्यादा दिख रहे हैं आपको, मैं मार्क करता हूँ 18,000 को मार्क करता हूँ, ये 18,000 है, बराबर है? 18,000 पे एक कॉल राइटर से और ये है पुट राइटर्स, बराबर है? अभी 119 लाख और इधर है 54 लाख, बराबर है? अगर इसका अगर जाने, तो कौन ज्यादा दिख रहा है यहां से आपको, से मतलब रेजिस्टेंस तगड़ा है, रेजिस्टेंस तगड़ा है ना, यस यस, तो रेजिस्टेंस अगर तगड़ा है, तो मार्केट क्या करेगा वहां पे, सस्टेन नहीं करेगा, मैं ब्रेकआउट नहीं देगा, ये बोल रहा हूँ, नीचे आएगा, 18,000 पे जाएगा, नीचे आएगा, ये समझ गए रिवर्सल कहाँ से आता है मार्केट में? ओके, तो और जाएंगे अपन इसमें, और क्या देखना है हमें, हाँ एक कंसेप्ट हो गया ना, अभी एक कंसेप्ट, 18,100 पे है ना नेक्स्ट, हाँ 18,100 पे नेक्स्ट है, फिर बाद में तो
उसके अपोजिट में यहाँ पे 9.2 है, फर्स्ट वीक है। ये ओपन इंटरेस्ट ग्राफ में अभी देखो ये रिलायंस का डाला है, यहाँ पे अगर निफ्टी डालते हो अपग्रेड की बात कर रहा। चलो जान दो अपने को एक देखना, अपन कैसे देखना है आपको समझ में आ गया अभी? हाँ सर, हाँ हाँ आ गया ना समझ में अभी? अभी आप स्टॉक भी देख सकते हैं इसमें। चार्ट सर, चार्ट चार्ट खास निकाल लिया आपने ये वाला, इससे क्या है कि ज्यादा वो बेटर रहता है कि वो देखें तो चाहिए। सर जरा ये एक्सप्लेन करो, नहीं चार्ट को ये वाला कि कैसे रीड करें। वही है ना सर, सेम है ना, देखो ना। वो है को हाँ ये देखो ना, एक कॉल और पुट, अभी रिलायंस का ओपन है करके बराबर। हाँ तो रिलायंस का अगर ओपन है तो मैं पहले डिलीट थोड़ा ये फॉर्मेट करता हूँ। पहले वो ऑप्शन चेंज समझ गया ना? 4600 का समझ गया। ऑप्शन चेंज, ऑप्शन चेंज को एक ग्राफिकल में डाला हुआ है। जैसे अभी आप रिलायंस का देख रहे हाँ, हैं, तो रिलायंस का अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे मेरा रिलायंस का प्राइस है कि 2560 पे बराबर। हाँ तो ये पे चल रहा है अभी 2501 का बराबर, 2560 पे। ये देखिए अभी क्या दिखाता है, ये देखिए 2560। सिंपल अपने को है ना ऑप्शन चेन कैसे समझना है, देखो मैं बोलता हूँ। मेरा ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से, यानी ये रेजिस्टेंस होगा ये सपोर्ट होगा बराबर। और मेरा ये वाला सपोर्ट चल रहा है, मारा मार्केट चल रहा है 2000, कितना चल रहा है 551। ओके तो बराबर मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो 2600 रुपये एक लेवल होगा इसका, और नीचे आ रहा है तो 2500 रुपये लेवल होगा, 2520, 2400, 2400 नीचे आएगा। तो अगर मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो मार्केट ऊपर जाते समय मेरा सभी राउंड फिगर होगा या टेक्निकल लेवल होगा उसके ऊपर लोग बैठे को। देखो ये 2600 है ना, हाँ यानी 2600 के ऊपर अगर यहाँ पे देखा, देखिए कॉल राइटर्स ग्राफिकल दिखा रहा है कि रेड बार ज्यादा है और ग्रीन बार कम है, 3 लाख 3 4 मिलियन और 1.3 मिलियन। अब भाई कौन कौन है भाई ये 4 मिलियन कहाँ पे और 1.3 मिलियन कहाँ पे? तो 4 मिलियन को तोड़ना, यानी कॉल लेटर्स की 4 मिलियन का जो पैसा लगा हुआ है उसको ओवरकम करने के लिए 4 मिलियन ही लोग चाहिए ना, तो 1 मिलियन लोग करेंगे क्या? तो थ्री यहाँ टाइम ज्यादा है ना, पे तो ये प्राइस 2600 के ऊपर जाना मुश्किल है। मुश्किल है जनवरी महीने में, समझ गया? ये तो अपन सर ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो हम लोग चार्ट पे बनाते हैं तो वो ऑरेंज बनेगा ज्यादा भी किया दिखाई देता है। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे जो चार्ट पे दिखते हैं ना टेक्निकल, उसका हाँ अगर और सपोर्ट हमें ओवर डेटा पॉइंट यानी ओआई का मिल गया तो वो स्ट्रांग सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, लेवल स्ट्रांग बन जाते हैं, समझ में आ गया? यानी यहाँ पे क्या दिख रहा है कि भाई 2600 पे जाके मार्केट नीचे आएगा, और नीचे कितने तक जाएगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे आने में तो स्ट्रांग नहीं है, 1 मिलियन 1 मिलियन लगभग 2500 रुपये, यानी 2500 को तोड़ना कोई बड़ी बड़ी चीज नहीं होगी ना, नीचे आएगा मार्केट तोड़ को सकते हैं। हाँ तोड़ तोड़ सकता है क्योंकि कमजोर दिख रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, समझ समझ में आ गया? ऐसा आप कोई भी देख सकते हैं। यहाँ पे दूसरा रीजन कितना है 700 लेवल पे। हाँ हाँ अभी ये समझ में आ गया पूरा? ओके किसी को डाउट है इसमें अभी भी और ऑप्शन चेन में? नहीं, कुछ पॉइंट थे वो क्लियर हो गए, वो जो भी ज्यादा अच्छा था। ओके अभी आप हमें और क्या देखना है, हमें देखना है अभी ऑप्शन, हमें निफ्टी बैंक निफ्टी का ऑप्शन बाइंग करना है क्या? पहले मैं स्टॉक का खत्म कर दूं ऑप्शन चेन, और कोई भी स्टॉक बताइए अभी। क्योंकि मैं ऑप्शन चेन यूज करता ही नहीं तो मैं उसको दिखता ही नहीं है। हाँ अभी यहाँ पे आप कोई भी स्टॉक डाल के देख सकते हैं, यहाँ पे अगर मैंने डाला निफ्टी है बराबर है सपोज, कौन था
निफ्टी से चालू होता ना सर, निफ्टी से नहीं, बैंक निफ्टी का नहीं, इनपी का बार। ओके आइडिया सर, आइडिया यानी क्या है सर, आइडिया क्या? ओके आइडिया का डालू, आइडिया कुछ भी सर, एफएनओ का स्टॉक नहीं डाल के देखता हूँ। आइडिया फिर निफ्टी डालू क्या अमूल सर? इनपी 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 सॉरी सॉरी इनपी। अभी स्टॉक स्टॉक ऑप्शन में कैसा करना है ये बता दो, और बाद में अपन देखेंगे इसका निफ्टी बैंक। बैकग्राउंड में किसी के काम चल रहा है? हाँ हाँ कर देता हूँ, कर देता हूँ सर, कर देता हूँ कोई। ओके बाद में आइडिया देखेंगे अपन, आइडिया का भी स्टॉक देखेंगे। एक मिनट ये अभी ये थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। अभी देखिए स्टॉक का नेम डाल दिया, स्टॉक का नेम डालने के बाद हमें जाना है एक्सपायरी, एक्सपायरी 25 जनवरी, बराबर है, क्लियर। तो यहाँ पे थोड़ा देखिए, अभी यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या सिनेरियो दिख रहा कि इन्फी का प्राइस जो चल रहा था ना वो यहाँ पे 1460 के आसपास चल रहा होगा। ओके तो 1460 के आसपास के जो पूरे रेजिस्टेंस जो खड़ा हुआ है ना, हाँ वो बहुत ही स्ट्रांग है। देखो 1500 पे भी 18 लाख है, 14 लाख है, 15 लाख है, 15 लाख, यानी हर 20 पॉइंट के पास आपका कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, तो ऊपर जाने में बहुत तकलीफ देंगे। लेकिन अगर नीचे आना है तो नीचे आने में कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको? सिर्फ एक दिख रहा है 1400 के ऊपर सपोर्ट, बाकी पूरा वीक सपोर्ट दिख रहा है। अमोल सर समझ गए? अमोल सर ओके ना? मैं आप ऐसा कोई भी स्टॉक देख सकते हैं, अभी आइडिया देखते हैं। ये देखिए अभी आइडिया 8 रुपए पे चल रहा है, तो 8 रुपए 9 रुपए 10 रुपए पे हमारे कौन बैठे हुए हैं? कॉल राइटर्स, यानी उसके ऊपर नहीं बढ़ने देंगे कॉल राइटर्स, और सपोर्ट नीचे आने में 8 रुपए 7 रुपए इजीली तोड़ेगा, नीचे आने में कोई भी नहीं है। यानी जो हम बोलते ना कि कोई चीज अगर नीचे आ रही तो उसको सपोर्ट देने के लिए कोई ना कोई चाहिए, तो सपोर्टर है ही नहीं यहाँ पे, पुट राइटर्स यानी सपोर्ट, कॉल राइटर यानी रेजिस्टेंस, बढ़ने वाले नहीं है। तो ये जो डेटा है ना कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, लेकिन इससे हमें क्या देता है, एक ओवरऑल व्यू देता है मार्केट का, क्योंकि उनका पोजीशन अगर स्ट्रांग है। मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 1166 दिख रहा है, कितने रुपए पे? 9 रुपए पे। अगर यहाँ पे बढ़ के चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया 1.2% हो गया, यानी डबल हो गया, तो क्या होगा? मार्केट नीचे आएगा। हमें कंसेप्ट बिल्ड करना है, हमें रट्टा नहीं मारना है, समझ में आ गया? और किसी को कोई स्टॉक देखना है कि निफ्टी बैंक निफ्टी बताओ अभी मैं। टाटा मोटर क्या है? टाटा मोटर का सिनेरियो 395 पे चला है, बराबर 395 400 रुपए पे आपके 1 लाख के आसपास खड़े हुए लोग, बराबर। उसके बाद एक 40 लाख 390 तोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा तो ये 5 रुपये का फर्क है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कहाँ पे दिख रहा है आपको? 400 रुपये को तोड़ना इम्पॉसिबल है। आप एक कर सकते 400 रुपये या 405 402 पे पास जाएगा, तो वहां से आप शॉर्ट करिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको एक सिनेरियो चाहिए ना, और वैसे ही अगर नीचे आया तो ये देखिए नीचे। लॉन्ग टर्म है तो रहने दीजिए ना, लॉन्ग टर्म अच्छा है ना, नहीं बनेगा ना सर, बट एक रहता है वो 80-85 से 400-500 रुपए का उसने रेंज दे दिया है, एक 2-3 साल में अभी हो गया ना उसका, एक कंसोलिडेशन जोन में जाएंगे अभी वो। अभी ये देखिए HDFC बैंक, क्लियर कट पिक्चर दिख रहा है HDFC बैंक का भी, कि 1600 रुपये था आपका, बराबर आसपास चल रहा है 1600 के आसपास। वो यहाँ पे देखिए अभी नेक्स्ट डे के लिए क्या है, एक स्टॉक प्राइस में डिफरेंस देखिए 10-10 रुपये, यानी हर 20 रुपये 1620 पे 14 लाख है, 1640 पे 27 लाख, यानी 1640 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, 1640 पे 27 लाख खड़े हुए हैं, और वहाँ पे 7 ही लाख है लोग, यानी आपका जो है ना पुट राइटर्स या ये जो है ना, नहीं वो सपोर्ट नहीं दे रहे उसको,
तो हमारा कॉल लेटर्स का पोजीशन ज़्यादा है, कॉल लेटर्स ज़्यादा है तो मार्केट को नीचे लेंगे, और नीचे गिरने में 16 हज़ार नहीं 1600 रुपये, बाद में 1580, 1580 भी तोड़ देगा, 1580 भी तोड़ देगा अगर नीचे आए तो। क्लियर है क्या? क्योंकि 27 लाख और 7 लाख में फर्क है ना। ओके, और कोई स्टॉक देखना है? सर, यहाँ पे तो जो अभी जैसे ये आपका सपोर्ट सपोर्ट जो है 1580 पे, तो यहाँ पे तो सपोर्ट वो बेटर है ना, 7.5 वर्सेस 1.3। 1.3 अभी दिख रहा है ना आपको, हाँ लेकिन जब मार्केट नीचे आएगा तब ये 1.3 बढ़ के, जो इन्होंने पोजीशन यहाँ पे बनाया हुआ है बराबर, ये प्रॉफिट बुक करके कैरी ओवर करके यहाँ पे लाएंगे ना, नहीं तो यहाँ पे और नया पोजीशन बिल्डअप करेंगे, तो हमें वही देखना है ना, नहीं तो एक रेंज में फंस जाएगा, 16 1580 1640 ये रेंज में फंस जाएगा। मैंने सर वो कुछ स्टॉक निकाले थे नेक्स्ट वीक के लिए, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसी जीआई और आईसीआईसी हम मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, हमें सिर्फ ऑप्शन चेन देख के भी ट्रेड नहीं करना है, हमें हमारा टेक्निकल, अभी इसका मैं डिसएडवांटेज भी बताऊंगा, पहले एडवांटेज समझ लेते हैं और कब हमें ट्रेड नहीं करना है ये भी समझ लेते हैं। तो आपको कैसा, अभी एचडीएफसी लाइव देखता हूँ, एचडीएफसी लाइफ और एचडीएफसी काफी अच्छा वो डीआरएस है। अभी देखिए एचडीएफसी लाइफ मैंने 16 15 बराबर, 16 15 पे 1620 पे 11 11 लाख है। ओके, यानी उसका रेंज हो गया 600 से 620, 600 पे 9 10 लाख है और 11 लाख इधर है, समझ गया सर? और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 600 रुपये पे कॉल राइटर्स और पुट राइटर नियर अबाउट सेम है, तो ये होगा इसका, इसके लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल, 600 अगर काटा तो मार्केट में किधर भी साइड एक मूवमेंट आएगा, साइकोलॉजिकल नंबर है, यानी दो तीन चीज़ें हमें मिक्स करना पड़ता है ऑप्शन बाय। स्टॉक ऑप्शन लेते समय एक बार ऑप्शन चेन ओपन करके जहाँ पे लोग ज़्यादा बैठे हुए उसके हिसाब से पोजिशन देख लेना आपका, समझ गया? लेकिन मैं अभी इसका है, हो गया क्या स्टॉक ऑप्शन क्लियर हो गया ऑप्शन चेन? हाँ, लेकिन सर ये एक चीज होता है कि एकेडमी के अंदर हमें प्री प्री जो प्रिपरेशन करना है, तो ऑप्शन जिनके हिसाब से हम करें सिलेक्ट करें, तो हमें वो लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे रेसिस्टेंट अभी ब्रेक करता है या रिटेस्ट करता है तो ही लेना है। सर मैं क्या बोलता हूँ वैसा नहीं, अभी वो आप मिक्स मत कीजिए, ओके अपना मिक्स मत कीजिए, ये मैं ऑप्शन चेन, मैंने तो पहले ही बोला था ना, हमें तो ऑप्शन चेन देखना भी नहीं है, हम तो इंडेक्स बायर, इंडेक्स ऑप्शन बायर है ना, हमें नहीं देखना है, क्योंकि हमारा प्राइस एक्शन, क्योंकि प्राइस एक्शन एक स्कीम, प्राइस एक्शन अगर बढ़ा तो ये ऑप्शन बायर वाले भी, ऑप्शन सेलर वाले भी अपना पोजिशन कैरी ओवर करते, कैरी ओवर नहीं बुक करते, अनवाइंड करते, अगर मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है तो पुट राइटर्स खड़े रहेंगे क्या, कितना भी ताकत रहने दो, उनको तो पोजीशन उनका बुक करना पड़ेगा ना, लॉस करना पड़ेगा ना, उनको मालूम है कि वो गिरेगा कर दिया तो भाग जाएंगे, तो भागना है, तो हमें वही पकड़ना है कि उन्होंने पोजीशन छोड़ा, यानी उनको पोजीशन छोड़ा, यानी हमारा डायरेक्शन क्लियर, अगर उन्होंने पोजीशन नहीं छोड़ा तो मार्केट वहां से बाउंस बैक होगा, वो कैसे देखना है, हाँ वो कैसे देखना है वो मैं आगे बताता हूँ। जो मुझे यहाँ पे बता दी 600 पे दोनों का 11.8 वर्सेस 9.9 है, मतलब हाँ यहाँ पे वो कंसोलिडेट होगा, मतलब कंसोलिडेट होगा, टाइम कंसोलिडेट होगा, टाइम पास करेगा, लेकिन पास करेगा ना 600 हाँ 600 पे, लेकिन अगर 600 को किसी भी साइड तोड़ा उसने, अगर डाउन साइड बोलो या अप साइड बोलो, एक रेंज होने के बाद, तो उस साइड में बड़ी मूवमेंट आएंगी, कहाँ तक बड़ी मूवमेंट आएंगी, 510 तक, 590 तक, 590 तक आएगी, क्योंकि 590 का भी सपोर्ट हाँ है, सपोर्ट है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 580 तक आएंगी, 590 है उसके बाद हाँ 580 है, हाँ ठीक क्योंकि ये स्टॉक है, स्टॉक में ज़्यादा मूवमेंट होता नहीं है, स्टॉक में थोड़ा देख सकते हैं अपन उसको, हाँ एनालिसिस स्टॉक में एनालिसिस कर सकते हैं ये रखे, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या होता है बहुत वोलेटाइल रहता है और वीकली रहता है, ये तो मंथली है ना आपका, जिन्होंने आप अभी मंथली एक्सपायरी कैसे काम करता है ऑपरेटर लोग क्या करते हैं, मैं ये भी बताता हूँ, अगर मैंने चार्ट देखा कौन सा, अभी एक कॉल राइटर्स का चार्ट है ना, यहाँ पे चार्ट कैसा दिखेंगे यार, एक मिनट मैं चार्ट के ऊपर आपको दिखाना चाहता था, यानी इनको फायदा कितना हुआ, अगर ओके मैं अपने
जीरोधा में जाएंगे ना, तो इसमें तब अपन ने चार्ट देखेंगे इसका एक वन बाय वन। ओके, तो ऑप्शन स्टॉक में ऑप्शन सेलिंग कैसे करते, यानी वो एक तरीके को ऑप्शन सेल करके बैठ जाते हैं और प्रीमियम डेके का मजा लेते हैं, समझ गए? अभी दूसरा दूसरा टॉपिक लूं, इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या? क्लियर है ना? अभी है ऑप्शन चेन कैसे पढ़ना है, कैसे दिखना है, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ना? अभी ओपन होगा क्या, मुझे देखने दीजिए। अभी मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ, यानी वो अपने हमें काम करते हैं हमारा इसमें चार्ट। हाँ ओके, यहाँ पर ही चार्ट ओपन हो गया ना। चलिए मैं अपना डीमैट अकाउंट ओपन करता हूँ, उसमें अपन एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, यानी वो आपको ट्रेडिंग करते समय ध्यान में रखना है। इसमें नहीं है क्यों? एक मिनट दीजिए, मेरा लॉगिन नहीं हो रहा। कोई डाउट होगा तो पूछिए तब तक।
एक मिनट दीजिए सिर्फ, कर लो। सॉरी हाँ, थोड़ा ये सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है, इंटरनेट का इशू हुआ। चलिए ओके, चल जा, नहीं हो रहा है ओपन। मुझे ये दिखाना था आपको कि जैसा हम यहाँ पे देखते हैं ना, हेलो सब जने ना, यहाँ पे मैं ये दिखा रहा था अभी वो कि जैसा हमारा कोई एक स्टाइक प्राइस लिया हुआ है, सपोज यहाँ पे ऑप्शन चेन दिखा रहा हूँ, ऑप्शन चेन में सपोज हमने चार्ट ओपन किया है हमारा ऑप्शन चेन का, सपोज 18,000 का 18,000 सी का चार्ट है, ओके 18,000 सी का चार्ट है, तो 18,000 सी निफ्टी के चार्ट में अगर प्राइस बढ़ रहा है, ओके तो प्राइस बढ़ रहा है तो इसके इंडिकेटर में एक ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट करके एक इंडिकेटर आता है, ओपन इंडिकेट ओपन इंटरेस्ट करके, तो ओपन इंटरेस्ट अगर कम होगा तो इसका मतलब क्या है, हेलो ओपन इंटरेस्ट कम है मतलब, ओपन इंटरेस्ट अभी सपोज मार्केट मार्केट बढ़ रहा है, ऑप्शन का प्राइस बढ़ रहा है, 18,000 सी का प्राइस बढ़ रहा है, ओके और साथ में इनका ओपन इंटरेस्ट जो है, ओपन इंटरेस्ट नाम का एक इंडिकेटर रहता है, वो अभी मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे, मेरा डीमैट अकाउंट नहीं ओपन हो रहा है, तो वहाँ पे अगर कम हो रहा है तो सेम वही है ना कि कॉल राइटर्स जो है उनका पोजीशन छोड़ रहे हैं ना, बराबर है, कॉल राइटर्स कम हो रहे हैं, यानी कॉल राइटर जो हमने यहाँ पे जो ग्राफिकल, हाँ ग्राफिकल जो देखा था ना हमने यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे देखा था ऑप्शन चेन में जो देखा था ना, कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन पोजीशन उनका छोड़ रहा है, विद टाइम रियल टाइम में, रियल टाइम में, रियल टाइम में किसका पोजीशन यहाँ पे जो 18,000 पे है, 18,000 पे कॉल राइटर्स या पुट राइटर्स का जो पोजीशन है वो कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, वो अगर देखना है तो कॉल राइटर्स के लिए मुझे 18,000 का सी का चार्ट ओपन करना पड़ेगा, वो पुट राइटर के लिए मुझे 18,000 पी का चार्ट देखना पड़ेगा, बराबर है। तो चार्ट कैसे ओपन होता है मैं एक कल या परसों आपको लाइव में दिखाऊंगा, अभी नहीं दिखेगा, कल मैं आपको लाइव में दिखाऊंगा, लेकिन आपको कंसेप्ट तो समझ गया ना पूरा, कंसेप्ट में प्रॉब्लम नहीं ना कुछ भी, हाँ। और दूसरा है कि हमें चेंज होते हुए देखना है तो चेंज का वो लाइव में देखेंगे अपन, जब हम कल मिलेंगे सवेरे 9-10 बजे या 9:15-10 बजे, तब हम लाइव में देखेंगे कि हमारा हमें कैसे प्रिडिक्ट करना है कि कम हो रहा है बढ़ रहा है, वो कैसे प्रिडिक्ट करना है, प्रिडिक्ट नहीं कुछ ही दिखता है आपको, ही दिखता है कि मुझे इसमें से एक चीज बता दीजिए, जैसे अपन ने ये देखा है ना, वही अपने ग्राफ के अंदर काम भी दे सकते हैं,
ये ग्राफ में यहाँ पे जाके एक ओपन इंटरेस्ट का ग्राफ ये देखिए, इसके वीडियो आपको इसमें इसको आपको पेड पेड करना होगा तो पेड भी मिल जाता है बराबर है, लेकिन हमें पेड करने की जरूरत नहीं, इसमें हो जाता है ना। इसमें ग्राफ में भी क्या दिखा रहा है, वही दिखा रहा है ना, ग्राफ में क्या दिखा रहा है कि जो ग्राफ में जो ये दिखा रहा है ऐसे दिखा रहा है, वही वो वहां पे दिखा रहा है उसके पेड चार्जेस है। चलिए, किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे? चलिए, हेलो, ओके सर, यहाँ पे खत्म। नहीं नहीं ओके ओके, यहाँ पे यहाँ तक था अपना ऑप्शन चेन। इसमें अभी मुझे एक दिखाना था कि कैसे प्राइस के साथ ऑप्शन चेन का डाटा ओपन इंटरेस्ट कैसे कम होता है वो दिखाना था, तो वो हम लाइव मार्केट में देखेंगे। हाँ ऑप्शन चेन तो समझ गया ना अभी आपको, ऑप्शन चेन समझ गया। एक चीज और समझ गया है कि रेजिस्टेंट जहां होगा वहां समझ लो कि ऊपर कोल्ड राइडर ज्यादा होंगे, जहां पे सपोर्ट ज्यादा होगा वहां पे पुट राइडर ज्यादा। हां राइट, हां तो वो सपोर्ट होगा, क्योंकि हम लोग जो चार्ट से लगाते थे ना, तो चार्ट से समझ में आएगा कि जहां पे कंसोलिडेट हो रहा है बार बार, मतलब वहां पे दोनों ज्यादा एक साथ है, इसलिए वहां पे कंसोलिडेट। वो इसलिए बोलते हैं ना, मार्केट एक में रेंज में फंसा है तो कॉल सेलर्स का फायदा होता है, यानी राइटर ऑप्शन राइटर का फायदा होता है, क्यों होता है तो उन्होंने एक रेंज में फंसा देते हैं मार्केट में। सर ये जो है ये आप तो प्रेशर का शास्त्र है कि डेल्टा और ये थीटा डेल्टा डेल्टा ये सब चीजें हमें जानते हो, तो वो बात कर रहे हैं बताना चाहिए थीटा के, बता दिया ना सर मैंने, वो पहला सेशन हुआ था डेल्टा गामा का, डेल्टा थीटा का, लेकिन वो टेक्निकलिटी में जाके कोई फायदा नहीं है, समझ के लो कि डेल्टा क्या होता है बस खत्म, थीटा क्या होता है वो तो पहले सेशन में हो गया था। मैंने फर्स्ट आपका वीडियो देखा था, उसमें मुझे एक्सपायरी समझ में आ गई कि कोई भी चीज होगा ऑप्शन है तो उसका एक लिमिट है, वो जाके जीरो। हां जीरो नहीं है उसको। चलिए और किसी को कुछ डाउट है? आपने देखा जिसमें वो 700 हुआ है उसका गया क्या? यूएस मार्केट। हाँ 700 अप हुआ ना पॉइंट, तो अभी ये जो गैप अप होगा, जितने भी अभी अपने कॉल राइटर्स बैठे हुए उनका पोजीशन पूरा खाली करेंगे, यानी मार्केट ऊपर जाएंगे। अगर ये खाली नहीं हुआ, जैसे 18,000 रुपये अभी दिख रहा है, 18,000 रुपये अगर इतना ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है मुझे अभी, ओके हाँ, ये अगर कम नहीं हुआ 119 की जगह अगर कम नहीं हुआ और ये बड़ा या फ्रैक्शनली ज़्यादा कम नहीं हुआ, 20% 30% कम नहीं हुआ, तो वहाँ से रिवर्स मारेंगे मार्केट, समझ गए? क्योंकि एक चीज़ समझ लीजिए, अभी उसको हम बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, एक रहता है लॉन्ग बिल्डअप नाम का, एक रहता है लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप और एक रहता है शॉर्ट बिल्डअप। पहले दो टर्म समझ लीजिए ऑप्शन के, यानी चलो पढ़ लेते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में क्या होता है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, ओके मार्केट ऊपर जा रहा है और ऑपरेटर लोगों ने अगर उनके वो उन्होंने भी ऑप्शन को, ऑप्शन नहीं बोलता मैं, उन्होंने भी ही बाय किया है, बाइंग साइड में बैठे हुए हैं किसी स्टॉक को, उन्होंने अगर बाय किया हुआ है तो उसको बोलते हैं हम लॉन्ग, लॉन्ग बिल्डअप, यानी मार्केट ऊपर जाने के लिए लॉन्ग बिल्डअप साथ में चाहिए, क्लियर है? मार्केट ऊपर जाने के लिए, सस्टेन करने के लिए, ऊपर के लेवल के ऊपर सस्टेन करने के लिए टेक्निकली भी ऊपर जा रहा है मार्केट, और उसके साथ हमारा लॉन्ग बिल्डअप भी बढ़ रहा है, लॉन्ग बिल्डअप का रेशियो भी बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, तो मार्केट ऊपर जाएगा। अगर मार्केट नीचे आ रहा है और शॉर्ट बिल्डअप भी, यानी मार्केट में जो लोग बैठे वो भी लोग शॉर्ट कर रहे हैं, शॉर्ट बिल्डअप कर रहे हैं, तो क्या होता है मार्केट और नीचे आते हैं। एक टर्म क्लियर हो गया? हेलो, लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप क्लियर हो गया क्या? और एक रहता है, हाँ सर बोलिए ना सर, लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप वो अफेक्ट होता है। लॉन्ग बिल्डअप चले शॉर्ट बिल्डअप चले, वो कैसे कैसे का नहीं, वो ओआई पे डिपेंडेंट है। नहीं वो भी हम देख सकते हैं, वो भी उसका भी है ना, एफआईआई का डेटा रहता है,
वो भी है ना, यहाँ पे ही रहेगा, एपीआई डेटा लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप पूरा पूरा यहाँ पे मिल जाता है आपको। हम वो देखते नहीं ज़्यादा इसलिए, लॉन्ग बिल्डअप है शॉर्ट बिल्डअप है, एक इसमें भी दिखेगा, और एक ऑप्शन वो ओआई करके अपना इसमें होगा ऑफस्ट्रा, ऑफस्ट्रा में दो बहुत सारे हैं। कोई पर्टिकुलर ऐप बताओ ना, सारे में ये लॉगिन करना फिर बाद में क्या हाँ होगा एक इसमें वही क्या है करना रहता है, बहुत सारे हैं, तो इसको करना है नहीं है ना थोड़ा इन स्टॉक जो करते हैं ना वो देख सकते, लेकिन क्या है मैं आपको दिखाता हूँ ये फ्यूचर बिल्डअप, इसके है। पेड़ रहते हैं ये देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको, हेलो सब जन ये यस 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 देखिए, ये देखिए ये ऑफ्स्टा करके साइड साइड है, पहले हमने सेंसिबल में देखा था, अभी ऑफ्स्टा में आ गया। ऑफ्स्टा में क्या है, निफ्टी, निफ्टी का प्राइस क्या बढ़ रहा है, बढ़ रहा है डे डे, ये लॉन्ग बिल्डअप यानी ऊपर जा रहा है, तो लॉन्ग बिल्डअप हो गया। ये शॉर्ट कवरिंग पे भी आता हूँ मैं, ओके ये यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप किस किस में स्टॉक में हुआ वो पूरे आ जाते हैं, देखिए हो गया लॉन्ग बिल्डअप, ये चलो अच्छा है इसमें ओके। ऐसा है। और ये शॉर्ट बिल्डअप, ये शॉर्ट बिल्डअप ओके, यानी मार्केट गिर रहा है ओके, सपोज अभी कोई भी मार्केट गिर रहा है तो उसमें शॉर्ट कितना बिल्ड हुआ, यानी अपने जो बोलते हैं ना कि बिग फिश और अपना ऑपरेटर कहाँ पे लगे हुए लोग, तो यहाँ पे लगे हुए हैं, शॉर्ट बिल्डअप किया हुआ है, क्लियर है। ये परसेंटेज में 2% बढ़ा, 3% बढ़ा, डे वाइज बताता है, 5 दिन में बताता है वैसा, ओके ये क्लियर हो गया। यस सर अभी एक रहता है शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग। शॉर्ट कवरिंग किसको बोलते हैं, यानी जिन्होंने मार्केट में, जैसा अभी कल का एग्जांपल लेता हूँ, मार्केट अभी नीचे आ रहा था ओके, तो लोगों ने क्या किया था, फ्यूचर को क्या किया था, शॉर्ट किया था ना, फ्यूचर को शॉर्ट किया ना लोगों ने, अमोल जी फ्यूचर हाँ को शॉर्ट किया लोगों ने, अगर मार्केट 17-18 हज़ार से लेके, तो मार्केट आ गया 17,900 पे आ गया, यानी 100 रुपये का इनको प्रॉफिट दिख रहा है जिन्होंने शॉर्ट किया था ओके। तो कल क्या होगा, मार्केट अगर गैप अप हो गया ऊपर तो इनको पोजीशन लॉस होगा ना शॉर्ट वालों को, तो शॉर्ट वालों को लॉस हुआ तो ये क्या करेंगे, शॉर्ट कवर करेंगे, लॉस बुक करेंगे ना, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। यहाँ पे दिख रहा हूँ ये शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग आने से भी मार्केट ऊपर जाता है, हम बोलते हैं ना कि शॉर्ट कवरिंग आ रहा है तो मार्केट ऊपर जाते हैं। लॉन्ग अनवाइंडिंग किसको बोलते हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है, लोगों ने क्या किया, लॉन्ग किया हुआ है और मार्केट गैप डाउन हो गया, या मार्केट में कोई गिरावट आ गई, तो जिन्होंने लॉन्ग किया हुआ है उनको लॉस दिख रहा है या प्रॉफिट बुक करेंगे, लॉन्ग अनवाइंडिंग करेंगे, तो शॉर्ट बिल्डअप या शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या सस्टेनेबल नहीं रहते, हाँ क्योंकि वो ओके उनका लॉस बुक करके हो रहा है ना, बढ़ रहा है ना मार्केट, ओके मार्केट रियल कब बढ़ेगा, रियल बोल रहा मैं, रियल कब बढ़ेगा, जब लॉन्ग बिल्डअप होगा तब, या शॉर्ट बिल्डअप होगा तब, तभी मार्केट ऊपर हो जाएंगे या नीचे आएंगे, रियल पैसा लगते हैं वहां पे। तो सर जो अनवाइंडिंग होता है या सॉफ्ट कवरेज होता है मतलब हाँ वो ऐसा होता है कि जो अपन लूज है वो बुक कर रहे हैं ये हाँ जो बराबर, प्रॉफिट है वो बुक कर रहे हैं हाँ तो वो हाँ बढ़ता बराबर जा रहा है बराबर 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 बराबर, तो वो एंड क्या होता है, वो जितना सस्टेनेबल प्रॉफिट होता सस्टेनेबल है नहीं वो रहता, टेक्निकली काम कर रहा है। हाँ सस्टेनेबल नहीं रहता बराबर है। हाँ पेपर कवरिंग वाला अनवाइंडिंग है वो इमोशनल है कि जिगर लग रहा है हाँ कि बराबर, एक अभी रेट्रेस में मार्केट जाएंगे गिरेगा। और बाद में नीचे आएगा, ये देखिए अभी शॉर्ट बिल्डअप है, शॉर्ट बिल्डअप है, देखिए अभी अभी शॉर्ट बिल्डअप का बताइए, देखिए मार्केट नीचे आ रहा नहीं है, अतुल ऑटो देखिए, अतुल 1.65% नीचे है, उसका एक दिन का शॉर्ट बिल्डअप हो गया ना 7% का, इस तरह से हम देखते हैं, लेकिन इसको जितना हम कॉम्प्लीट करेंगे ना उतना हम ट्रेड नहीं ले पाएंगे, क्लियरली बोल रहा हूँ, समझ गए, जितना हम सिंपल रखेंगे उतना हम ट्रेड ले पाएंगे ओके। चलिए किसी को और डाउट है सर इसमें, हमारे लिए कुछ होमवर्क देंगे क्या होमवर्क कुछ भी नहीं सर, या ट्रेड मैंने सर कल एक पीडीएफ बना रहा था ऐसे ही उस टाइम से खरीद रहा था उसमें रेजिस्टेंट राउंडिंग बॉटम और वो सब कुछ देखने की बताया जरूरत नहीं सर, वही तो।
कुछ देखने की जरूरत नहीं, ना सपोर्ट रजिस्टर देखना है, कुछ भी नहीं देखना है, सॉफ्टवेयर को फॉलो करो बस, बाकी कुछ नहीं, सॉफ्टवेयर टेक केयर करता है सब चीजों का। ओके सर, एक चीज अभी अभी अपनी क्लास खत्म हो गई तो मैं एक चीज डिस्कस करना था। हाँ चलेगा ना सर, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। कल जो सब फ्राइडे को हम लोग बात कर रहे थे क्रूड में दोनों साइड में ऐसे भी दिया। हाँ ये वो उसमें चल रहा था, रेल मोड में चल रहा था। कल का सिनेरियो अलग था। कल एक जब आप समझ लीजिए जो कमोडिटी रहता है ना, कमोडिटी में आ गए सिल्वर, गोल्ड, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, ये जो रहता है ना, ये पहला वीक जो रहता है महीने का, या पहले वीक में बहुत सारे न्यूज़ आते हैं यूएस से रिलेटेड, डॉलर से रिलेटेड, डॉलर से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आएंगी, अमेरिका से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आएंगी ना, वो अफेक्ट करेंगी गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल के ऊपर, कमोडिटी के ऊपर। तो फ्राइडे के दिन आया था यूएस का इन्फ्लेशन डेटा 7 बजे, तो इस कारण वो क्या हो गया, फ्लक्चुएट हो गया बहुत। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें हमारा स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करना है, शांत रहना है, नहीं तो अपने सर, क्योंकि मेरा ना मैंने 222 के लिया था। हाँ और 257 में सेल कर दिया। हाँ फिर दूसरी एंट्री वापस मैंने 210 पे लिए और 291 पे सेल किए, मुझे वो समझ नहीं आया कि पर अपने एग्जैक्टली मैंने चार्ट पे सर नहीं वो कर करना ही नहीं है, हमें हमें सिर्फ एक बात को ध्यान रखना है। मैं वही मैं अभी सर मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें मार्केट कहाँ से टर्न होगा पता नहीं, किसी को नहीं पता, मेरे चार्ट को फॉलो करते ही हमें पता नहीं मार्केट कहाँ से टर्न होगा। हमारा इतना ही पता है, अगर हमने कोई चीज़ 100 रुपये में लिया हुआ है तो उसका भाई मेरा 90 रुपये स्टॉप लॉस है, 10 रुपये का रिस्क है। क्लियर, कोई चीज 100 रुपये से अगर बढ़ के अगर 120-130 होती है तो मेरा स्टॉप लॉस कॉस्ट को जाना चाहिए, मुझे मार्केट ने प्रॉफिट नहीं हुआ चलेगा, लॉस नहीं होना चाहिए। ये जब तक हम मेंटेलिटी नहीं लगते तब तक हमें प्रॉफिट नहीं होगा। हम हर न्यूज़ के ऊपर या इसके ऊपर उसके ऊपर बड़े बात करेंगे, बट हमें मार्केट को फॉलो, अगर मार्केट को देना कितना है हमें डिसाइड करना है, लॉस कितना करना है, और ये हमारा सॉफ्टवेयर हमें पता है। वही मैं सर के दिन से मैंने कभी ट्रेड नहीं किया, जब से अपने लिए थे ना उससे बात की, रोज ही हो रहा था बार बार में तो नहीं लिया था, फिर आपने मुझे अपने कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, क्या प्रॉफिट हुआ और अपना खत्म कर दिया। मैं वही बोला डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को ध्यान में रखो बस खत्म। चलो और किसी को रोड के अंदर पे डाला तो वो 15 मिनट्स के अंदर ही गया, फिर वापस आ गया। चलो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अपना जो सॉफ्टवेयर है ना वो बराबर देता है ना लेवल निकाल के। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई ऑप्शन चेंज भी पड़े ना अपन ने, नहीं ना नहीं करना है, एक मिनट में नहीं करना है, किसने बोला एक मिनट करना है, अभी जो जो भी सॉफ्टवेयर को जो भी हमने किया हुआ है, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है वो ना कुछ भी नहीं देखना है, मैंने क्लियर कर दिया था, हमें कुछ भी नहीं देखना है, हमें जस्ट सॉफ्टवेयर को फॉलो करना है। मैं वही बोल रहा हूँ 7 बजे न्यूज आया था ना, 7 बजे 100 पॉइंट का मूवमेंट आ गया एक कैंडल, नहीं होना है ना। अरे क्या हुआ, यानी वो 37 वाला देखो, ओके चलिए। सॉफ्टवेयर में किसी को डाउट है, पूछना है, नए लोगों को कुछ एक्सप्लेन करना है सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग कैसे काम करता है? सनी सर, विनायक सर, आप नए दिख रहे हैं मुझे आज पहली बार। सॉफ्टवेयर के बारे में गो थ्रू करो, ओके तो हाँ करो। तो मेनली हमारा क्या रहता है, सॉफ्टवेयर क्या देता है, हमारा बाय और सेल लेवल निकाल के देता है, बाय कब करना है सेल कब करना है। तो हमें कब ट्रेड लेना है, हमें लेना है जब भी बाय लिख के आएगा तब और सेल लिख के आएगा तब, पहला कंडीशन। दूसरा है, एक एक कंडीशन अभी हमें ऐड करेंगे इसमें, अगर सेलिंग रहा तो हमारा रेड कैंडल बनेगा, बाइंग रहा तो हमारा ग्रीन कैंडल चाहिए। दूसरा है, एक ग्रीन शैडो जो दिख रहा है, ग्रीन शैडो
और ये रेड शेडो, रेड शेडो रहेगा तो हम हमेशा सेलिंग करेंगे, ग्रीन शेडो रहा तो हमें हमेशा बाइंग करेंगे, और ये पूरा डिस्प्ले होना चाहिए, एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट, क्लियर है। नीचे का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ऊपर रहा तो ग्रीन है, नीचे रहा तो रेड है। अभी यहाँ पे हम एक एक चीज नोट करते हैं। जैसा यहाँ पे सेल लिख के है, बराबर सेल लिख के है, मार्केट नीचे गया, लेकिन ये ग्रीन शेडो रहने के कारण हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, यहाँ पे रेड शेडो में क्लियर हुआ तो यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। एंट्री और टी वन, ये हमारा एंट्री जोन रहता है, यहाँ पे अगर एंट्री हुआ टी वन के पास तो एंट्री एज अ स्टॉप लॉस होगा, और एंट्री के पास अगर स्टॉप एंट्री हुआ तो एस एल एज अ स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ पे हमारा एंट्री हो गया, बराबर चला, टी वन भी, टी टू भी दिया, टी थ्री भी दिया, बाद में बाउंस बैक हुआ, क्लियर। ये हमने 5 मिनट में देखा, आपको निफ्टी बैंक निफ्टी 3 मिनट या 5 मिनट में ही ट्रेड करना है। 3 मिनट यानी स्कैल्पिंग है, 5 मिनट यानी थोड़ा अच्छे ट्रेड के लिए आप रुक सकते हैं। आपको अगर स्टॉक देखना है तो स्टॉक को आपको 15 मिनट या 30 मिनट में ही देखना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, क्लियर है। ओके चलिए, ये और ये पूरा ऑटोमेटिक लेता है, मोबाइल पे भी और लैपटॉप पे भी दोनों जगह आता है। और किसी कुछ पूछना है? एक सर एक चीज और पूछना था, कल जो परसों भी वो मतलब एक्सपायरी वाले दिन की और कल के दिन की चीज समझ में नहीं आई, यदि जैसे हमने एंट्री लिया उसमें 80 रुपीज में से एंट्री लिया था राइट, तो एक्सपायरी हो गई 80 के आसपास ही चलना, जब 80 से 150 चला गया तो हम वो कैसे ट्रेड करते हैं पोस्ट पे या फिर थोड़ा सा बढ़ा के, तो वो तो अपन को तो लेकिन सही जैसा स्क्रीन में दिख रहा, स्क्रीन में दिख रहा था स्क्रीन नहीं, हाँ एक मिनट किसको नहीं दिख रहा स्क्रीन? अभी आप हो गया, एक मिनट फिर रुको रुको, पॉज किया रिज्यूम किया, अभी दिख रहा अल्पित जी? हेलो हेलो, दिखा क्या? नहीं अभी नहीं दिखा, नहीं दिखा अभी दिखा क्या? अभी हाँ, आप अपना बंद करके चालू कीजिए, अभी मैंने नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं अल्पी जी, आप बंद करके चालू कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए हाँ बता रहो एक मिनट अल्पित जी, आप लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए, आपके डाउट लेता हूँ मैं, डाउट लेता हूँ। हाँ अभय सर बोलिए। आप ऑप्शन बाइंग की बात कर रहे हैं एक्सपायरी के दिन? अगर मैंने 80 ऑप्शन में वही बोल रहा हूँ ना सर, ऑप्शन बाइंग जो रहता है ना, जो मैंने अगर बोला है कि 10-15% का हमें क्या लेना है, एक स्टॉप लॉस लेना है, कब लेना है ये वाला, ये रेगुलर ये 1:1 रेशियो पे चला गया, जैसे आपने जैसे एंट्री ली है तो 280 करीब जाके फिर वापस आया था, तो हमें वहां पे एग्जिट कर जाना चाहिए या वो नहीं वेट सर? मैं वो इंडिविजुअल डिपेंड रहता है, इंडिविजुअल इंडिविजुअलिटी के ऊपर है। जैसा एग्जांपल देता हूं, मैं 230 पे एंट्री लिया, बराबर मैं अभी डिलीट थोड़ा ये करता हूं, वो 370 पे गया था। हाँ मैं बोलता हूँ उसका क्या करना चाहिए, बोलता हूँ मैं, हाँ बोलता हूँ ये देखिए 230 पे हमारा एंट्री हुआ, इसका स्टॉप लॉस कितना था हमारा, 190 रुपये, क्लियर है ना, 190 रुपये स्टॉप लॉस था, 40 रुपये का स्टॉप लॉस था,
230 का ऑप्शन हमारा गया था लगभग 330 रुपये पकड़ता मैं, 360 है। 360 पकड़ता, 360 रुपये गया, बराबर है 360 रुपये, यानी अपना कितना हुआ 120 रुपीज़ हो गया ना, 130 रुपीज़ हो गया ना, 130 रुपीज़, 1:2 कितना हो गया, 1:3 हो गया ना। अभी यहाँ पे आपको अपना रिस्क देखना है, आप कहाँ पे कंफर्टेबल है। हर जन हर एक का कंफर्ट लेवल डिफरेंट रहता है। मैं क्या बोलता हूँ, मार्केट यहाँ से भी नीचे आके और नीचे आ सकता था ना, ओके। अगर 130 पे गया तो आपका ये सिंपल एक ही काम है, अगर आप कंफर्ट होते तो 300 रुपये भी एसएल रखो, ट्रेडिंग रही एसएल ₹300। मेरा भी ध्यान तो मेरा मेरा सुन लीजिए पहले, 230 से अगर कोई चीज़ 360 रुपये गई तो मेरा स्टॉप लॉस 300 रुपये है। 300 रुपये पे अगर कट किया तो आपको यू आर इन प्रॉफिट 70 रुपये। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं यार मुझे 70 रुपये नहीं कैश करना है, मुझे मार्केट मुझे भलाई वो 300 से 360 से 230 रुपये आ गए, फिर भी मैं हटूंगा क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस 190 रुपये। अगर जब तक ये आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप बड़े टारगेट नहीं ले पाएंगे। लेकिन ऐसी सिनेरियो में क्या होगा, आपको 360 रुपये दिख रहा, बाद में 100 230 आया और बाद में 190 रुपये आया, तो आपको जो भी प्रॉफिट दिख रहा होगा वो भी नहीं दिख रहा, तो आपको साइकोलॉजी खराब हो जाती है वहां पे, होती कि नहीं होती, कि प्रॉफिट आपको से दिख रहा था, मैंने बुक नहीं किया, थोड़ा लालच में गया और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। क्लियर है कि नहीं है? तो हम मैं क्या बोल रहा हूँ, लास्ट में जाएगा एक भगवान को भी पता नहीं है, पता है क्या भगवान को? हमारा हमारा एक ही काम है, हमारा साइकोलॉजी खराब नहीं होना चाहिए। क्लियर है? मुझे एक बताइए, 230 की चीज अगर वो 300 रुपये पे आप बुक करते हैं तो आपका साइकोलॉजी ओके रहेगा कि नहीं रहेगा, प्रॉफिटेबल? 100 रुपये का भी प्रॉफिट रहा ना और 100 रुपये का भी लॉस रहा, तो साइकोलॉजी किसमें अच्छी रहेंगी, लॉस में अच्छी रहेंगी क्या प्रॉफिट में? तो हमें साइकोलॉजी, हमारा मूड खराब नहीं करना है किसी भी ट्रेड में। मूड कब खराब होता है, जब हमारा 230 से जाके वो 360 रुपये जाती है, ओके। 360 रुपये जाके आपने 300 रुपये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाया और आपने लगाया कॉस्ट और 190 रुपये ही आपने माना कि नहीं यार मैं 190 का मेरा स्टॉप लॉस है उसको हटाऊंगा नहीं, लेकिन आपने 130 रुपये बुक नहीं किए, आपको के सामने प्रॉफिट दिख रहा था और बाद में कुछ समय बाद वो 190 पे आता है और लॉस बुक करता है, तो यहाँ पे आदमी का मूड ऑफ हो जाता है, वो दूसरा ट्रेड में नहीं ले पाता। तो हमेशा ध्यान रखिए, एज अ ऑप्शन बायर हमें अपना मूड खराब करना नहीं है, हमें ऑलवेज ट्राई करना है कि भाई अगर हो सके ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, अपन 1:2 तो भी लेना है यार मिनिमम, 40 रुपये का रिस्क है ना अपना, अपना कितना है 40 रुपये का रिस्क है ना अपना, अपना 40 रुपये का रिस्क मान के चल रहे ना अपन, बराबर है? हेलो, यस सर, यस सर। 40 रुपये का रिस्क है तो मिनिमम यार 80 to 100 रुपीज तो आपकी जेब में आना चाहिए ना। इतना आ गया 100 रुपीज अगर आपने बुक किया या 80 रुपीज बुक किया, उसके बाद वो 200 रुपये बढ़ा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं यार, यू आर हैप्पी विथ 100 रुपीज। जब जैसे वो 100 से 150 होता है, आप 100 रुपीज पे ट्रेलिंग करके जाओ ना। मेरा जो एक्सपायरी हो रही थी ना 18 ट्रेलिंग यार, वापिस वही 150 यार, 80 पे कॉस्ट को मैं क्या बोल रहा हूँ, चला आप उसे ग्लोबल में रखे हैं, तो वो लगा कि ये क्या है। ऑप्शन के दिन एक्सपायरी के दिन वैसे ही होता है कि भाई 80 रुपीज वाली चीज 20 रुपये आती है, गया 20 रुपये था कि होता है ना वापिस सर, होता है ना। मैंने क्लियर डायरेक्शन अगर क्लियर रहा ना तो अपन वो भी मैनेज करते कि भाई री एंट्री लो ना, री एंट्री लेते समय फिर 20 40 रुपये का रिस्क 30 रुपये करो, कम करो ना। क्योंकि सर जो लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ जाएंगे, नहीं सर किसी को नहीं पता, मैं क्लियरली बोलता हूँ, मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता कि 80 रुपये 800 रुपये होगा या 0 होगा, 0 होगा ये सबको पता है, 80-90% टाइम वो 0 ही होता है, सिर्फ एक दो पर अपना 1-2% टाइम वो 80 का 800 रुपये होता है, समझ गए? सर सर ये तो अभी बैंक
वन और ई वन का जो डिस्प्ले डिफरेंस जो है ना हाँ वो तो अपना स्ट्राइक प्राइस के ऊपर है, बराबर है? नहीं नहीं है ना, अभी जैसे अभी आपका निफ्टी लगा है ना हाँ, तो एंट्री 1700 कितना लिखा है? 17 एंट्री है 17970 हाँ, और ई वन कितना है? 17923 हाँ, तो ये दोनों का जो डिफरेंस है ना वो पॉइंट्स जो है हम्म, अभी हम लोग बाय करते हैं तो प्रीमियम होता है बराबर ना, तो एयरटेल मनी के नजदीक हम लोग बाय करते हैं हाँ, एटीएम ही लेना है, तो फिर वो ये जो पॉइंट है और उसका जो प्रीमियम में जो डिफरेंस रहेगा वो कितने का रहना चाहिए था, मतलब वही सब होता है या कितना? नहीं नहीं वो फ्लक्चुएट होता है, आपको एक ही धर में रखना है, दो तीन बार बताया ये कि सपोज यहाँ पे एंट्री ये वाला डाउट है, ये वाला डाउट मतलब एक बार मतलब मैं भी चाहूंगा कि जैसे कि जो भी एंट्री पे रहता है ना तो उसका कौन सा प्रीमियम वाला लें, जेट का मनी पे जो ऐसे मार्केट का नीचे जाए तो हमारा प्रीमियम ज्यादा ज्यादा मतलब पॉइंट पे जाए, बोलता हूँ बोलता हूँ, हमारा इसका स्टॉप लॉस कितना लेना है, मतलब कितना दिखा रहा है? 17930 दिखा रहा है बराबर, तो आप 17900 वाला लेंगे बराबर ना? सिद्धार्थ सर एटीएम समझ गया? 17900 ओके, 17900 पे लेंगे तो एटीएम का जो मूवमेंट रहता है ना 0.5 का मूवमेंट रहता है, 0.5 यानी आपका अगर निफ्टी में एक रुपया कम ज्यादा हुआ है तो इसका 50 पैसे कम ज्यादा होगा प्रीमियम का, सपोज प्रीमियम अगर इसका चल रहा 70 रुपये दिस पॉइंट यहाँ पे ओके, तो यहाँ से निफ्टी अगर 10 पॉइंट अगर ऊपर गया तो ये 65 रुपीज होगा, कम होगा ना, कम होगा ना 65 रुपीज होगा, और यहाँ से अगर 10 पॉइंट नीचे आया तो ये 75 होगा, समझ गए कि इसका मतलब 0.5 का मतलब ओके। तो एक चीज ऑप्शन में हमेशा याद रखिए, अगर आप मल्टीपल लॉट में काम करते हैं, मल्टीपल लॉट यानी आपके लॉट सपोज मैं चार मानता हूँ, चार लॉट में अगर आप काम करते हैं तो दो लॉट है ना 70 रुपये पे लीजिए और दो लॉट जब कम होगा ना 65 पे तब लीजिए, अपना स्टॉप लॉस है, अपना स्टॉप लॉस 190 है यानी कितना पॉइंट हो गया ये वाला 40 पॉइंट हो गया ना, 30 पॉइंट यानी 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया प्रीमियम में, 15 पॉइंट यानी प्रीमियम से 15 पॉइंट पकड़ने का, 70 रुपये तो 15 पॉइंट माइनस करो कितना हो गया 55 हो गया, यानी 55 तो आपको एवरेज करना अलग है, या चार्ट के ऊपर जब तक यहाँ पे नहीं आता तब तक आपको अलाउ करो, अलाउ है एवरेज करो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका डायरेक्शन क्लियर है ना, ये हो गया मल्टीपल लॉट। और जो एक ही लॉट में काम करते हैं उनके लिए एक ही सॉल्यूशन भाई, जैसा एक सिग्नल आया तब कूदो मत ट्रेडिंग में, मैं क्या बोल रहा हूं, जैसा ही सिग्नल दिखा आपको यहां पे, जैसा ही आपको यहां पे एंट्री दिखा तो आप लगे 70 रुपये दिख रहा ना 70 रुपये पे मत लो ओके, आप एक काम करो ना आप उसको थोड़ा कम होना वो आता ही है, 70 रुपये चल रहा ना 70 से होगा वो 72 3 तो आपको क्या लगेगा यार बढ़ रहा होमो में मत जाओ, वो थोड़ा पुल बैक मारता ही है 1-2 रुपये 68 63 2-3 रुपये का बफर रख के मार्जिन लो, क्लियर है क्या? बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों की बात कर रहा हूँ यार, यहाँ तक कि स्टॉक ऑप्शन के भी दोनों में बफर रखो, काम करो पुल बैक में ट्रेड लो, भग गया ना वो नीचे आएगा इतने धन में रखो, मैं बोलता हूँ ना 70 रुपये आपको आपके आंखों के सामने दिख रहा है वो 80 रुपीज हो गया, 80 रुपीज पे एंट्री मत लो, 70 रुपये होने दो ना, 10 रुपये यू आर ऑलरेडी आपका लॉस भी कम हो जाएगा प्रॉफिट बढ़ जाता है, एक दो बार होगा ऐसा कि वो भग जाएगा 70 80 90 100 जाने दो, एक दो बार के पीछे जाना ही नहीं हमें, समझ गया, क्योंकि हमें ट्रेडिंग एज अ प्रोफेशनल लेना है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए और किसी को डाउट है सर? दूसरा अभी से जो T1 तक आ गया तो T2 तक चला गया, तो हम लोग अपना एसएल T1 पे लेके आएंगे, हाँ T1 पे लेके आएंगे, यहाँ पे लेके आएंगे ओके, लेकिन अगर आपने देखा अगर आपने यहाँ पे फ्यूचर अगर बाय किया तो ओके, लेकिन अगर जब आप ऑप्शन बाइंग की बात करते हैं ना
तो आप थोड़ा टाइट रखिए ना इसको, थोड़ा टाइट रखिए, क्योंकि यहाँ पे अगर साइड हो गया ना तो प्रीमियम पूरा डिके हो जाएगा आपका। जैसा 70 रुपये, 70 रुपये से 100 रुपये गया, बराबर है 100 रुपये गया, तो यहाँ पे साइड गया ना तो वो फिर से 80 रुपये आ जाएगा। तो आप 70 रुपये से 90 रुपीज लो स्टॉप लॉस, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस, क्योंकि ऑप्शन है। प्रीमियम देखे 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 कोई फायदा नहीं है। कम होता है, आउट ऑफ द मनी में ज्यादा होता है। आउट ऑफ द मनी में तो बहुत ज्यादा होता है। हाँ, एट द मनी में, एट द मनी में थोड़ा रहता ही है, रहता है थोड़ा, लेकिन वही एक्सपायरी के पास ज्यादा होता है। ओके यानी होता क्या है, अगर T1 T2 तक आ गए और T2 के नजदीक का आपने टाइट में ऐसे रखा ना तो फ्लक्चुएशन में वैसे हिट होता ही, ऐसा हो जाता है। तो फिर वही बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे आपको साइकिल ही रखना पड़ेगा कि भाई मुझे 70 रुपये पे मैंने यहाँ पे लिया, ओके T1 के पास, T2 के पास मुझे 100 रुपये दिख रहा है। एक तो आपका स्टॉप लॉस 70 रुपये रखो या 75 रुपये रखो फिर, ओके बट मेंटली इतना प्रिपेयर हो जाओ कि भाई मुझे 100 रुपये नहीं लेना है अभी, मैं एक तो 120 रुपये लूंगा या 130 रुपये लूंगा टारगेट, और 100 रुपये का ओके 75 भी आया तो फिर आप गम मत मनो। वो साइकोलॉजी नहीं करती काम सर, मेरे मेरी मेरी भी अभी का साइकोलॉजी काम नहीं करती वो तो, क्योंकि पैसा है, पैसे की आपको ये एक लॉट रहेगा ना तब आप कुछ नहीं लगता आपको, मैं क्लियरली बोलता हूँ। एक लॉट में जब रहेगा ना तो आदमी बोलता चलो 2500 या 2000 का ही होगा, लेकिन जब आप लॉट बड़े करते ना तब आपका साइकोलॉजी काम नहीं करता, क्योंकि आपको कम ज्यादा दिखता है, तो फिर वहां पे आपको साइकोलॉजी बढ़ेगी। फिर वो मनी मन मान अरे यार 5000 बुक करना था तो 5000 बुक नहीं किया, अभी 1000 रुपये पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गया, ऐसा होता है, समझ गए। और इसको ओवरकम करने का एक ही फायदा, एक ही है इलाज, प्रॉफिट में रहो ऑटोमेटिकली ओवरकम होगा। हमें एक्सपीरियंस लॉसेस के इस कारण हमें भरोसा नहीं आता, एक बार प्रॉफिट में आ जाओ। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, आप छोटे छोटे पहले छोटे छोटे प्रॉफिट करना सीखो, अल्टीमेटली आपका सिस्टम के ऊपर भी भरोसा आ जाएगा और सब कुछ बराबर होगा। प्रॉफिट लेना बीच में जब स्टार्ट किया, अभी हमारा SL फिक्स है, मैं ये बोल रहा हूँ, अभी हमारा पता है हमें लॉस कितना करना है, उससे ज़्यादा लॉस नहीं करना है, और लॉस छोटा ही है, 40 पॉइंट का ज़्यादा नहीं है, 10% का, बट हमें अभी टारगेट थोड़ी बड़ा रखना है। अभी पिछले संडे को भी मैंने बोला था ना कि हमें ऑप्शन बाइंग जो करना है 100+ पॉइंट के लिए करना है, पिछले संडे को बोला था कि नहीं बोला था। और इस हफ्ते का आपने परफॉर्मेंस देखा ना, जो आपका मिथ था कि भाई 10 पॉइंट 20 पॉइंट के लिए ऑप्शन बाइंग करना है, वो निकल गया कि नहीं निकल गया, इसका मुझे आंसर दीजिए, बस हो गया। आता है कि नहीं आता है, एक दिन में पैसा डबल होता है कि नहीं होता है ऑप्शन बाइंग में? 2x टारगेट लिया ना अपन ने, मैं वही, हाँ मैं वही, अच्छा मैं वही बोल रहा हूँ कि अब हमें अपना देखना है कि भाई हम कहाँ तक अपना इमोशन नहीं ला सकते। सॉफ्टवेयर वही काम कर रहा है, आपके इमोशन लेस कर रहा है ना, आपको डायरेक्शन तो दे रहा है ना पूरा, आपको टेक्निकल तो कुछ भी देखना नहीं है ना, सपोर्ट रेजिस्टर चार्ट के ऊपर भिड़े रहना है क्या, सपोर्ट मारो रेजिस्टर मारो ये करो, यहाँ पे आड़ा लाइन मारो, यहाँ पे खड़ा लाइन मारो, तिरछी लाइन मारो, ये करना है क्या? यहाँ अभी तक क्या होता था, यहाँ पे हमारा एनर्जी वेस्ट होता था ना, अभी अभी वो आपको नहीं करना है, अभी आपको सिर्फ आपका एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना, क्लियर है? yes. और हमारी ओवर ट्रेडिंग तो कम हो रही है ना यहाँ पे पूरा सिस्टम के ऊपर। आज के बारे में जैसे ट्रेड लिया कि मैं आज जैसे ट्रेड लिया तो थोड़ा डर गया फिर ऊपर गया, तो वो चीज मैं लिख रहा हूँ आपसे। ओके कि फिर बाद में लिखा कि अपने आप ऊपर ऊपर करने के लिए कि मैंने फोन नहीं सुझाव कर, तो वो चीज मैं वही बोल रहा हूँ ना सर।
वो करना पड़ता है, इसलिए बोल रहा हूँ। चलिए, और किसी को कुछ डाउट है? विनायक सर आपने हैंड अप किया है, बोलिए ना। हाँ बोलिए सर। जो आप गैस में जो आप गैस ऑप्शन का जो आप दे रहे हो ना अभी, हाँ गैस ऑप्शन का जो आप अपने को दे रहे हो ना अभी, हाँ वाइपर हो या जो भी सिम को, उसमें 5-6 ऑप्शन आप देते हो, तो सब जो कोई एक ऑप्शन ही आपने लिया और उसमें अपना टारगेट मतलब ऐसा हीट हो गया, तो ऐसा हो सकता है पॉसिबल है? तो 3-4 देते तो आपको 3-4 लेना है, उसमें से एक दो मतलब बाकी का जो आपका आईसीएसएल होता है वो आपका टारगेट अचीव कर रहा था, बट 1300 एसएल मतलब 24 का आपने एसएल दिया था, मैंने 24 के ऊपर रखा था, 24.5 25 लगा था, वो बड़ा पर 24.5 को कोई जो उसने ऐसा गेट करके चला गया, 24 उसने टच नहीं किया, तो एक गलती हो गया उधर। अच्छा, तो क्या करना चाहिए, मतलब एक ही ट्रेड लेना चाहिए या दो या तीन ट्रेड आप देते तो तीन लेना चाहिए, उसमें तुमने दो ट्रेड टारगेट भी करेगा और एक ट्रेड तुम जो ऐसा गेट भी कर लेगा तो भी ओवरऑल हम लोग प्रॉफिट करेंगे, क्या करना चाहिए? उसमें आपको सब ट्रेड लेना है पहली बात, और दूसरी बात है वहाँ पे अपने एक लिमिट लगे हुए 2000 या 3000 के ऊपर लॉस नहीं लेना है, समझ गए? हर एक स्टॉक में, क्योंकि कौन सा स्टॉक चढ़े, जो स्टॉक चलने वाले है, जैसा अभी आपको 3 या 4 के अगर आ गया, 3-4 स्टॉक आ गए, चार स्टॉक क्यों आ गए, 150 स्टॉक है ऑप्शन में, बराबर, उसमें से चार स्टॉक क्यों निकाला, क्योंकि उसमें कुछ तो भी दिखाऊंगा ना, इसलिए निकला ना। अगर उसमें से भी चार स्टॉक में से अगर 3 स्टॉक या 2 स्टॉक चलते हैं या 2 स्टॉक फेल होते तो ओके फेल होते, क्योंकि वो नहीं 100% एक्यूरेसी नहीं है, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ। ओके, तो आपको चारों स्टॉक जितने भी स्टॉक आते हैं उतना लेना है, स्टॉप लॉस जो बोला है उसको लगाना है, रिस्पेक्ट करना है, और आपको प्रॉफिट में खेलना है। जब प्रॉफिट में बढ़ेगा ना, जैसे प्रॉफिट में गया आपका स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट जाना चाहिए, प्रॉफिट नहीं हुआ चलेगा, लॉस नहीं होना चाहिए। ये मैं बोल रहा हूँ, नहीं एक नहीं लेना ही नहीं है सर, एक लेना ही नहीं है, नहीं लेना ही नहीं है, क्योंकि फिर आपका किस्मत रहेगा, फिर जो आप लिया वो चला, जो नहीं लिया जो लिया वो फिर गड़बड़ हो गया। हाँ, तो फिर उसमें आपका अच्छा चला, हाँ फिर वो आपकी किस्मत होती है, फिर आपकी किस्मत होगी यार, चला तो चला, फिर वो होता है। ओके सर, वेलकम। चलो, किसी को कुछ और पूछना? सर मैं एक रिकॉर्डिंग पाठवाई थी सर, रिकॉर्डिंग ना? हाँ सर, रिकॉर्डिंग पाहिजे। हाँ पाठन देता हूँ। ओके, अजून को ना और किसी को? एक सवाल है इसमें ट्रेडिंग व्यू और जो सॉफ्टवेयर के बारे में, ये जो स्टॉप लॉस रेसिस्टेंस और किसका ऑटो अपडेट बोल रहे हैं आप? दिनेश जी, आपका पहला दिन है, बराबर, ये देखिए, ये इसका बात करें ना आप, ये जैसा ये देखिए, बता दो हमें एग्जांपल, ऑटो आपको एक लाइन भी नहीं मारना है, यहाँ पे आपको एक लाइन भी नहीं खींचना है। देखिए यहाँ पे सेलिंग का सिनेरियो आ गया, ये देखिए रेजिस्टेंस था, सीलिंग का सिनेरियो हो गया, यहाँ पे पकड़ लिया ना कैश, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जस्ट इसको फॉलो करना है। तो जैसा आगे समझे एक महीने के बाद जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो तो ऑटो अपडेट रहेगा, राइट? सपोर्ट उसमें टेक केयर किया हुआ है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं करना है, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली लेगा, जहाँ से सीलिंग बनेगा वहाँ से लेगा। हाँ, ऑटो अपडेट नहीं बोल सकते अपन बोलते हैं कि करंट प्राइस जो होगा ना उसके हिसाब से दिखाएगा, करंट प्राइस के हिसाब से। ओके ओके, तो वो हाँ, तो
आपको देखना ही नहीं है, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना ही नहीं है आपको, आपको इतना देखना है कि भाई टारगेट आया, एंट्री आया, स्टॉप लॉस है, बस खत्म कंडीशन। हाँ हाँ सिस्टम टेक केयर, सिस्टम में फिबोनाची और पिवट नंबर के साथ काम करता है, उसके हिसाब से वो कैलकुलेट करके दे देगा। ओके चलिए, और किसी को कुछ डाउट? रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ इसका। चलिए चलिए रखू फिर, मीटिंग एंड करेंगे, 12 बज गए। और आपने मेरा रेफरेंस, हेलो अल्पेश जी, आपको कुछ डाउट था क्या? अल्पेश सर, चलिए ओके। अभय सर आपको कुछ पूछना था? अभय सर गए, चलिए एंड करते। ओके थैंक यू वेरी मच, इसका रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ। Many haters.